अस्सलाम वालेकुम। हम लोग जो हैं, वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट रेवेन्यू मॉडल्स, जो कि बिजनेस मॉडल कैनवस का एक और सेक्शन होता है। अभी तक जो हम लोगों ने बात की है कोर्स के अंदर, वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट कस्टमर्स एंड उनकी सेगमेंटेशन कैसे की जाती है, क्या प्रोडक्ट में यूनिक ऑफरिंग देंगे। लेकिन वो सब चीज़ें एंड ऑफ द डे दे ऑल कम डाउन टू आप जो हैं अपनी डिफरेंस जो क्रिएट करें मार्केट में, हाउ कैन यू मेक मनी फ्रॉम इट। जो भी आपका बिजनेस मॉडल बनना होगा, इट हैज़ टू शो प्रॉफिटेबिलिटी। अगर आप ये दिखा रहे हैं कि जी आपका आइडिया बहुत जबरदस्त है, लेकिन हर साल आप पैसे लूज कर रहे हैं और आप लूज करते रहेंगे, देयर इज नो वे इन हेल यू कैन बी अ सक्सेसफुल कंपनी। तो व्हाट हैपेंस इज कि ऑल दीज कंपनीज विच आर स्टिल मेकिंग लॉसेस, मगर ये कि जैसे ऊबर है फॉर एग्जाम्पल, हम लोग क्लास में बात करते हैं कि ऊबर जो है इज नॉट रियली प्रॉफिटेबल बिजनेस, बट द एंड ऑफ द डे द गोल ऑफ द बिजनेस इज कि दे विल मेक मनी व्हेन दे आर द लास्ट वन स्टैंडिंग। उनको ये पता है कि जब आखिरी कंपनी वो रह जाएंगे तो वो इतना पैसा कमा लेंगे तो उनके सारे लॉसेस धुल जाएंगे। तो ये वॉरेन बफेट, हुज इन्वेस्टेड इन द यूनाइटेड स्टेट्स, वन ऑफ द लीडिंग इन्वेस्टमेंट कंपनीज बर्कशायर हैथवे, उसका ये कोट था कि प्राइस इज व्हाट यू पे, वैल्यू इज व्हाट यू गेट। तो इसके कहना ये है कि प्राइस ये चीज है जो आपको दुकान में कीमत लिखी हुई है, लेकिन वैल्यू क्या होती है कि उस टाइम पे उस पॉइंट पे हाउ मच आर यू सेटिस्फाइड विद द प्रोडक्ट दैट यू गेटिंग। वैल्यू जो है इसको चेस करना चाहिए, वैल्यू इज वॉट इज इम्पॉर्टेंट, प्राइस इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती। ठीक है, आगे हम इसके बारे में बात करेंगे, हाउ इट्स अ मिथ अबाउट प्राइस एंड उसका रेवेन्यू स्ट्रीम्स का। व्हाट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि आप वैल्यू क्या दे रहे हैं कस्टमर को। अब हम एक मिसाल देते हैं कि जो है ये हैंड सैनिटाइजर जो है उसकी कीमत रही होगी 80 रुपए, ये 100 रुपए। क्या हुआ कि ओवर टाइम अभी क्योंकि मार्केट में इसकी डिमांड इतनी है तो उसकी वैल्यू बहुत बढ़ गई है। तो सिमिलरली आपको ऐसा प्रोडक्ट बनाना है, ये नहीं कि सिर्फ एक हफ्ते के लिए या एक दिन के लिए वो रेलिवेंट हो, इट शुड बी क्रिएटिंग वैल्यू फॉर अ कस्टमर, जिसके लिए आप फिर जो प्राइस चार्ज करना चाहें कस्टमर देने के लिए तैयार है। अगर उसको ये लगता है यार जो भी प्राइस आप मांग रहे हो वैल्यू ज्यादा है, तो वो उसको देने के लिए हमेशा तैयार रहेगा। वैल्यू इज वॉट यू शुड बी चेसिंग, प्राइस इज नॉट कॉन्सिक्वेंशियल। ठीक है, अब आगे चलते हैं। वट इज द रेवेन्यू मॉडल? ये जो है बिजनेस मॉडल कैनवस में जो बॉटम के दो हैं, एक है रेवेन्यू और एक है कॉस्ट। तो अभी हम रेवेन्यू की बात करें, आप जो है क्योंकि हम इसी के ही तरफ बिल्ड करते हैं। हमने आइडिया की बात की थी कि आपका यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन क्या होना चाहिए, हमने कस्टमर सेगमेंट्स की बात की थी, हमने बात की थी कि कस्टमर सेगमेंट के साथ आप रिलेशनशिप कैसे बिल्ड करेंगे, और फिर हमने उसकी बात की थी कि कौन सा चैनल आप सेलेक्ट करेंगे ताकि आप पैसे कमा सकें। अब जब आपने ये सारी चीजें कर ली हैं तो मेन चीज ये कि आप ये जो सारा मार्केटिंग एक्टिविटीज और ये सब कर रहे हैं, पर्पज क्या था, ये करने क्यों निकले थे? हम करना ये चाह रहे थे कि हाउ डज अ कंपनी मेक मनी फ्रॉम ईच कस्टमर सेगमेंट। आप जो सेगमेंट आपने आइडेंटिफाई किया, चाहे टीनेजर्स हों चाहे ग्रोन अप्स हों, आप मल्टी टीयर्ड पेमेंट स्ट्रेटेजी रख सकते हैं। हम लोग गेम्स में देखते हैं, कुछ गेम्स होते हैं जो फ्री में मिल रहे होते हैं, उसके अंदर आप फ्री में गेम खेलेंगे, कुछ होता है जहां पे आपको पैसे भी आप उस पर वो कर सकते हैं, यू कैन मेक मनी फ्रॉम इट। तो दैट इज अनदर एरिया वेयर यू लुकिंग एट। तो ये जो है कि यू हैव टू थिंक ऑफ मेरा हर कस्टमर सेगमेंट, उसको कैसे मैं पैसे से कमाऊंगा। कुछ मार्केट को आप फ्री में दे सकते हैं प्रोडक्ट, कुछ से आप जो है पैसे कलेक्ट कर सकते हैं, कुछ को जो है हो सकता है आप एक्स्ट्रा चार्ज कर सकते हैं अनलॉक फीचर करने के और उसके। तो इसके अंदर जो वैल्यू क्रिएशन है, जो हमने पहले बात की थी कि ये जो रेवेन्यू मॉडल है, रेवेन्यू मॉडल में क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे पास दो ग्रुप्स हैं। एक है कि व्हाट वैल्यू इज द कस्टमर पेइंग फॉर, तो अगेन वैल्यू की बात हो रही है, प्राइस की नहीं हो रही। तो अगर आप लोग ये कहेंगे, अगर इस डब्बे के अंदर आप ये लिखने बैठ गए कि जी मैं ये प्राइस चार्ज कर रहा हूँ, ये मेरी मैं 10 रुपए लूंगा, कॉम्पिटिशन जो है वो 9 रुपए चार्ज कर रहा है, तो इस तरह मैं 1 रुपए प्रॉफिट। हम बात कर रहे हैं वैल्यू की, आपका जो यूनिक वैल्यू, जो यूनिक प्रोपोजिशन है कि जो आपका आइडिया, जो यूनिकनेस है, आप उसके डबल भी ले सकते हैं, आप उससे 3 गुना भी ले सकते हैं, लेकिन बात यह कि वैल्यू तुम क्या दे रहे हो इन रिटर्न। जो पैसे तुम चार्ज करने जा रहे हो उसकी जगह वैल्यू क्या दोगे, व्हाट इज मेकिंग योर बिजनेस सो यूनिक, सो क्रेडिबल कि कस्टमर्स आर विलिंग टू पे मोर। सही है, रेवेन्यू मॉडल्स के अंदर हम बात करेंगे कि रेवेन्यू के मॉडल क्या होता है, कि जैसे डायरेक्ट सेल्स की स्ट्रेटजी होती है, और प्राइसिंग जो है इज द टैक्टिक्स, प्राइसिंग इज नॉट अ मेजर ड्राइवर, प्राइसिंग इज द, समझे आप, जैसे अगर कोई घर बन रहा है या जो भी बन रहा है, प्राइसिंग उसकी जो है ना एक सीमेंट की ईंट है, वो बेसिस नहीं है। बेसिस क्या होता है, रेवेन्यू मॉडल। रेवेन्यू मॉडल में क्या होगा, आपको ये आइडेंटिफाई करना होता है कि वेयर एम आई गोइंग टू बी चार्जिंग मनी, हाउ एम आई चार्जिंग मनी, कौन से पेमेंट गेटवेज आप यूज कर रहे हैं, किस तरह का आप प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं। यू कैन हैव सब्सक्रिप्शन प्राइसिंग, यू कैन हैव डिफरेंट काइंड ऑफ फीस अटैच टू इट, यू कैन यूज डिफरेंट जो चैनल्स आपने आइडेंटिफाई किए आप वो भी देख सकते हैं कि उनके थ्रू आप कैसे कमाएंगे। तो ये सारी चीजें जो आ जाती हैं,
ये आपको जब रेवेन्यू मॉडल की बात होती है, इसके अंदर आपको ये देखना होता है कि वैल्यू क्या क्रिएट कर रहे हैं आप। तो नेटफ्लिक्स की वैल्यू क्या है कि आप एक प्लेटफॉर्म पे जाते हैं और आपको सारी मूवी सारी टीवी शोज दुनिया भर के मिल जाते हैं। तो उसके लिए अगर वो आपसे $10 भी चार्ज कर रहे हैं, आप कहते हैं यार इट्स वर्थ इट। $13 मांगेंगे, आप कहेंगे हाँ यार इट्स वर्थ इट, कि मुझे एक चैनल है, स्ट्रीमिंग क्वालिटी बहुत अच्छी है, यूट्यूब से बेहतर वो स्ट्रीम कर रहा है, लैग नहीं करता। आप कहेंगे यार मुझे जो चीज मैं चाह रहा था वो मुझे अच्छी मिल रही। तो दैट इज वाई यू शुड बी फोकसिंग ऑन वैल्यू। और रेवेन्यू क्या हो रहा होता है कि आपको ये देखना है कि यार मैं पैसे कैसे कमाऊंगा। और हर बिजनेस को रेवेन्यू के ऊपर डिपेंडेंट होना होता है। अगर आपका बिजनेस ये कि मेरे पास कस्टमर्स इतने आ जाएंगे क्योंकि मैं वायबल स्टार्टअप बना रहा हूँ, इवन देन यू हैव टू शो वेयर यू आर मेकिंग मनी। अगर आप पैसे नहीं कमा रहे, आपने ऐसे कस्टमर बेस को टारगेट किया जिसके पास पैसे ही नहीं है, आपने ये सोचा यार मैं बिजनेस बनाऊंगा जहां पे गरीब लोगों को मैं ये सब दूंगा, और आपके पास कोई रेवेन्यू जनरेशन मॉडल नहीं है, नो बडी इज गोइंग टू इन्वेस्ट इन योर बिजनेस, नो बडी इज गोइंग टू सस्टेन योर बिजनेस। कोई बिलियनियर मिलियनियर भी नहीं आएगा उसमें इन्वेस्ट करने, क्योंकि वो देख रहे हैं आप सिर्फ पैसे खो रहे हैं। तो हर बिजनेस चाहता है सस्टेनेबल बिजनेस बनाना, कि आपको प्रॉफिट तो नहीं लेकिन आप पैसे बना रहे हो, तो दैट इज इंपॉर्टेंट। तो कॉमन कॉमन मिस्टेक्स क्या है, व्हाट आर पीपल मिस्टेकिंग अबाउट दिस सेक्शन ऑफ द बिजनेस मॉडल कैनवस। सबसे पहले ये कि रेवेन्यू स्ट्रीम इज द प्राइस आई चार्ज कस्टमर, दैट इज इनकरेक्ट। यू आर नॉट चार्जिंग अ प्राइस, रेवेन्यू स्ट्रीम इज द वे ऑफ चार्जिंग कस्टमर्स, इन द सेंस ऑफ कि मैं प्रीमियम मॉडल रखूंगा, कि यानी पहला महीना फ्री होगा, अगले महीने से मैं चार्ज करना शुरू करूंगा, या मैं सब्सक्रिप्शन प्राइसिंग चार्ज करूंगा। रेवेन्यू स्ट्रीम होता है मल्टीपल चैनल्स जहां से आप पैसे कमा रहे हैं। तो एक कंपनी होगी समझे पेप्सी, उसकी रेवेन्यू स्ट्रीम सिर्फ पेप्सी के ऊपर रिलायंट नहीं है। पेप्सी क्या करेगा, वो चिप्स भी बेचेगा, वो उसके साथ साथ पानी भी बेच रहा है, उसने मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम्स बनाए हुए, एनर्जी ड्रिंक्स बेच रहा है कि स्टिंग के थ्रू या उसके थ्रू। उसको पता है कि अगर एक बिजनेस नहीं चल रहा, मेरे बकिया बिजनेसेस जो है वो मुझे पैसे रिटर्न देंगे। तो व्हाट यू वांट टू डू इज, आप जो बिजनेस बनाने जा रहे हैं उसमें मल्टी टीयर स्ट्रैटेजी रख सकते हैं, कुछ लोगों को आप फ्री में देंगे, कुछ से पैसे चार्ज करेंगे, कुछ से ज्यादा पैसे चार्ज करेंगे। तो आपको ये रेवेन्यू स्ट्रीम बतानी होती है। तो जो आप लोगों का बिजनेस मॉडल कैनवस का सेक्शन है, आप इसके अंदर रेवेन्यू स्ट्रीम्स की बात कर रहे होंगे कि आप कहाँ कहाँ से पैसे कमा सकते हैं। आप पार्टनरशिप्स क्रिएट कर सकते हैं, आप एड स्पेस दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सर्टन कंपनीज वो क्या करेंगी कि जैसे जिनका रियल एस्टेट होती है, अगर आपके पास एक दुकान है, आप जो है उससे तो कमा ही रहे हैं, जो चीजें खुद बेच रहे हैं, आपको नजर आता है कि एक प्रोडक्ट है जो आपका कॉम्पिटिशन में नहीं है, वो कह रहा है यार मुझे थोड़ी सी जगह दे दो, मैं यहाँ स्टॉल लगाना चाहता हूँ। आप उससे किराया लेके उसको थोड़ी सी जगह दुकान में दे देंगे। अब क्या हुआ कि अगर आपकी चीजें बिकी नहीं बिकी, आपको पता है ₹20,000 आपको मिल रहे हैं क्योंकि आपको उन्हें स्टॉल लगने दिया है। तो अगर मेरी हजाम की दुकान है जहां कोने पे मेरे पास जगह जाया हो रही है, मैं हो सकता है टेलीनॉर वालों को स्पेस दे दूं कि यार आप अपना कियोस्क लगा दो, मुझे उसके महीने के 10,000 20,000 40,000 मुझे देते रहना, और तुम्हारी भी मार्केटिंग हो रही है, मेरा भी फायदा है। मैंने एक रेवेन्यू स्ट्रीम आइडेंटिफाई कर लिया कि मेरा पैसा जो है मुझे मिलने लगे। ठीक है, तो रेवेन्यू स्ट्रीम इज नॉट द प्राइस, सही है, ये मिस्टेक है, दीज आर मिस्टेक दैट पीपल थिंक ऑफ। दूसरा मिस्टेक क्या है, आई सेट द प्राइस बेस्ड ऑन हाउ मच इट कॉस्ट मी टू मेक। कुछ बिजनेसेस ये करते हैं लेकिन रियलिटी में ये जरूरी नहीं है, क्योंकि आपको क्या करना है कि अगर आप ये सोचते हैं कि यार मुझे इस चीज को बनाने में ₹10 लगते हैं और मैं 12 की बेचूंगा, हो सकता है कि आपकी वैल्यू आप ज्यादा दे रहे हो। अब इसकी मिसाल आप ऐसे देखें कि जो लैम्बोर्गिनी बेच रही कंपनीज या स्पोर्ट्स कार बेचते हैं, उनकी कॉस्ट वो नहीं होती, जो उनको कॉस्ट पड़ती होगी वो होगी शायद $100,000 ज्यादा से ज्यादा, $300,000 हो गई। भाई इंजन खुद बना रहे हैं, हर चीज खुद बना रहे हैं, चार्ज कितना करेंगे, $4 मिलियन, $12 मिलियन, $2 मिलियन। वो क्या है, क्योंकि वैल्यू वो ज्यादा दे रही है गाड़ी, उनको ईगो मिल रही है, उनके फेमस हो रहे हैं, मतलब उनके दोस्तों में उनकी वाह वाह हो रही है। तो क्या हो रहा होता है कि यू डू नॉट सेट द प्राइस जस्ट बेस्ड ऑन द कॉस्ट। आप प्राइस के अंदर क्या क्या चीजें शामिल करते हैं, आप कॉम्पिटिशन को भी देख रहे होते हैं, आप मार्केट में देख रहे होते हैं, आप देख रहे होते हैं यार मेरे कस्टमर के पास कुवत खरीद कितनी है। अगर आपने कोई बड़ा इलीट सेगमेंट को प्रोडक्ट बनाया है उनके लिए, तो समझे आप सब्जियां काट रहे हैं और सब्जियां आप सब्जियां बेचते हैं ऑलरेडी प्री काट, तो उसका फायदा क्या है, जो कस्टमर है वो कन्वीनियंस ढूंढ रहे हैं। तो अब आप सब्जियों के पैसे तो नहीं लेंगे ना सिर्फ, कि सब्जी मुझे पड़ी 20 रुपए किलो, एक आदमी मैंने हायर किया हुआ उसका अगर मैं पर घंटा भी लगाता हूँ वो मुझे उसमें शायद ₹4 का लगेगा कॉस्ट, तो मैं इसको 25 की बेचूंगा क्योंकि 24 की कॉस्ट पड़ी है, ₹1 मैंने प्रॉफिट रखा हुआ है। ऐसे नहीं, अगर आपका कस्टमर ज्यादा देने को तैयार है, ये प्रोफेशनल लोग हैं जिनके पास टाइम ही नहीं है सब्जियां काटने के भी और उसके भी, आप उनसे ₹50 ले सकते हो और वो आपको देंगे खुशी खुशी। तो वैल्यू की बात होती है। तो अगेन प्राइस सेट करते हुए बहुत सी चीजें कंसिडरेशन में लेनी होती है, लेकिन उनके अंदर सबसे पहले ये चीज देखनी होती है कि यार आप क्या वैल्यू दे रहे हैं।
अगर आपके पास कोई वैल्यू देने को नहीं है तो आपको प्राइस कट करनी पड़ती है। आप जो है, जो ये परचून की दुकान हो गई, वो हो गई, वो बेचारे इसीलिए नहीं कर पाते क्योंकि वो वैल्यू नहीं दे रहे। मैं उनकी दुकान से लूँ या किसी और दुकान से भी ले लूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर कोई प्रोडक्ट है जो सिर्फ एक दुकान पे मिलती है, उसकी जो मर्जी आएगी वो चार्ज करेगा। इस्लामिक शहद वाले ज्यादा चार्ज कर सकते हैं क्योंकि उनके पास सिर्फ शहद रखी हुई और हर तरह की शहद रखी हुई है, तो दे कैन चार्ज मोर बेस्ड ऑन दैट। ठीक है, तो दैट इज वाई प्राइस सेट करते हुए आप सिर्फ कॉस्ट को नहीं देखें, मल्टीपल चीजें आती हैं इसके अंदर। तीसरा मिस्टेक, माई प्राइस हैज टू बी लेस देन माई कंपेटिटर्स प्राइस। हरगिज नहीं, आप ज्यादा चार्ज कर सकते हैं अपने कॉम्पिटिशन से क्योंकि आप कोई नई चीज लेके आ रहे हैं। अगर आप ये सिर्फ सोच के लाते हैं, यार अगर मैं भी एक जूस का डब्बा बना रहा हूँ या समझे मैं एक सोडा लेके आता हूँ मार्केट में, एनर्जी ड्रिंक लाता हूँ, मैं कहता हूँ यार स्टिंग जो है 40 रुपए की बिक रही है, या तो खैर वो भी 60 की हो गई है, 60 रुपए की स्टिंग बिक रही है और रेडबुल जो है वो 240 की बिक रही है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं 30 रुपए की बेच देता हूँ। लेकिन मेरा जो एनर्जी ड्रिंक है वो ऑर्गेनिक है, उसके अंदर कोई केमिकल्स नहीं है, कोई वो नहीं है, हेल्थ के नुकसान नहीं है, तो क्या है, आई कैन एक्चुअली चार्ज मोर। मैं शायद 180 रुपए उसके चार्ज कर लूँ, बनाने में हो सकता है मुझे 30 रुपए की पड़े, लेकिन क्या है, क्योंकि अगर मैं ये देख रहा हूँ प्राइस का, माई प्राइस डज नॉट ऑलवेज हैव टू बी लेस देन माई कॉम्पिटिशन। अगर आप कोई यूनिक लेके एक चीज आ रहे हैं जो किसी और के पास नहीं है, आप उसके ज्यादा चार्ज करो, तो योर प्रोडक्ट डज नॉट ऑलवेज हैव टू बी चीपर देन द मार्केट। आपको ये देखना है कि वैल्यू क्या दे रहे हैं। तो ये जो तीनों चीजें हैं, इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट होता है, वैल्यू। क्या तुम कस्टमर्स को दे रहे हो जो कि उनको वैल्यू दे? व्हाई वुड अ कस्टमर कम टू यू एंड नॉट समबडी एल्स, राइट? तो ये तीन कॉमन मिस्टेक्स होते हैं जिनका ख्याल रखना पड़ता है, कि आप इन सोच में मत पड़िएगा। अब कौन से दो की क्वेश्चंस हैं, वो ये हैं कि व्हाट आर माय रेवेन्यू स्ट्रीम्स एंड विद इन द रेवेन्यू स्ट्रीम्स हाउ डू आई प्राइस द प्रोडक्ट। तो जो आप लोग अपना बिजनेस बनाने जा रहे हैं, उसके अंदर हम ये देखेंगे कि आपके दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, आपका रेवेन्यू स्ट्रीम्स। और ये मैंने आपको बार बार कहा है कि अगर आप बिजनेस बना रहे, कभी एक सिंगुलर सोच से नहीं सोचें कि जी मैं सिर्फ एक चीज बना रहा हूँ और यही मेरी रेवेन्यू स्ट्रीम्स है। इफ यू आर मेकिंग अ प्रोडक्ट, अगर आप ये सोचते हैं कि जी मैं टीवी बना रहा हूँ, मैं सिर्फ टीवी बेच के पैसे कमाऊंगा, दैट्स नॉट हाउ गुड कंपनीज वर्क। सोनी इलेक्ट्रॉनिक्स में मैं काम करता था, वहां पे हम लोगों के पास टीवी भी बेचते थे और मल्टीपल चीजें और बेचते थे। एक हमारी जो कंपनी का सबसे प्रॉफिटेबल सेक्टर था वो था प्ले स्टेशन का, जो वीडियो गेम्स बना के बेचता था, गॉड ऑफ वॉर और वो वाले, वो बहुत प्रॉफिटेबल था। तो प्ले स्टेशन और उसके गेम्स जो, वो एक सेपरेट डिविजन था, वो एक रेवेन्यू स्ट्रीम थी। सिमिलरली इंश्योरेंस, सोनी जो है अपने प्रोडक्ट्स की और उनकी इंश्योरेंस भी बेचता था, कि अगर आप एक साल के लिए इंश्योरेंस ले लेंगे तो अगर कोई चीज डैमेज होती है आप वापस लाएं, उसके एक्स्ट्रा चार्ज करते थे। हमारे क्या होता है, वारंटी फ्री में दे देते हैं, और क्या होता है, कोई ऑनर नहीं करना चाह रहा होता। ऑन दी अदर हैंड, अगर समझो तुम हर कस्टमर से कहते हो यार आप 150 रुपए की या 500 रुपए की मुझसे वारंटी ले लें, और अगर कोई मसला होगा मेरा आदमी गारंटीड आपका मसला सॉल्व करेगा, तो क्या होगा, आपको पैसा भी मिल रहा है इस काम का, आप फ्री में क्यों वारंटी दे रहे हो सबको? यार हर कंपनी फ्री में वारंटी दे देती है और उस पर फिर प्रैक्टिस ही नहीं करती ना, वो फ्री में वारंटी देती है, हर चीज के चार्जेस डालने लगते हैं कि सर ये तो आपका ये फला वाली स्क्रीन जो है उसके अंदर कवर्ड नहीं थी, तो फायदा क्या है उस वारंटी का मेरे लिए? तो आपको ये देखना है रेवेन्यू स्ट्रीम्स कैसे आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर आप सॉफ्टवेयर बेच रहे हैं तो आप हो सकता है उसके साथ एड ऑन फीचर्स दे सकते हैं, सर्विस एंड मेंटेनेंस के चार्जेस ले सकते हैं, दैट इज वे यू आर मेकिंग एक्स्ट्रा मनी, तो ये आपको सोचना होगा। दूसरी चीज क्या है, विद इन द रेवेन्यू स्ट्रीम्स इसके अंदर मैं प्राइसिंग कैसे रखूंगा, कैसे मैं प्राइस सेट कर सकता हूँ कि कस्टमर चीख मार के भाग ना जाए। आपको ये देखना है मेरे कस्टमर जो है ही विलिंग टू पे द प्राइस दैट आई सेट, इन द सेंस ऑफ के कॉम्पिटिशन कितना चार्ज कर रहा है, आपको क्या कॉस्ट बन रही है, मार्केट में क्या रेट मिल रहा है, जो कस्टमर आपने सेलेक्ट किया उसके पास पैसा कितना है उसकी जेब में, ये सब चीजें मैटर करती हैं। ठीक है, तो रेवेन्यू स्ट्रीम की बात करते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या है, इट इज द स्ट्रेटेजी द कंपनी यूजेस टू जनरेट कैश फ्रॉम ईच कस्टमर सेगमेंट। तो इसकी क्या बात हम कर रहे थे कि समझे आप एक बिजनेस है, यू कैन हैव मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ रेवेन्यू। स्ट्रीम होता है दरिया का, वो कहते हैं कि पानी का जैसे एक होती है ना स्ट्रीम, उसको कहते हैं। रेवेन्यू होता है कि आपके बिजनेस को फंड करने के लिए, फ्यूल करने के लिए कौन कौन सी शाखें हैं दरिया की जो आपके उसमें बिजनेस में आ रही हैं। आपको इस तरह से सोचना है कि मैं जो बिजनेस बनाने जा रहा हूं, अगर आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, आप सॉफ्टवेयर हाउस बना रहे हैं, आप क्या करें, तो सिर्फ सॉफ्टवेयर बना कर आप एक जगह पैसे कमा रहे हैं। कुछ कंपनीज को आप रखते हैं रिटेनर के ऊपर। रिटेनर क्या, कि अगर हमने आपका प्रोडक्ट बनाए, आपको कभी भी कोई मसला होगा आप हमें कॉन्टैक्ट करेंगे, हम आ जाएंगे। लेकिन उसके लिए क्या है शर्त, हर महीने आप हमें 40,000 रुपए 50,000 रुपए देंगे, ताकि हम जब आप कॉल करेंगे हम अवेलेबल होंगे,
हम एक बंदा हायर करेंगे जिसका काम होगा आपका वो हैंडल करना, तो आपको 50,000 रुपए पर मंथ देने। एडवर्टाइजिंग कंपनीज इस तरह पैसे कमाती हैं, काम हो नहीं हो जो भी है उनको महीने के पैसे मिलना जरूरी है, तो वो रेवेन्यू स्ट्रीम बना लेते हैं एक और डिफरेंट। तो आपको क्या करना है, अपनी कंपनी को सस्टेन करने के लिए आप क्या करते हैं, आप मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ रेवेन्यू ढूंढेंगे, ठीक है। प्राइसिंग मॉडल की क्या डेफिनेशन होती है, क्या प्राइसिंग जब करोगे, द टैक्टिक्स दैट यू यूज टू सेट द प्राइस इन ईच कस्टमर सेगमेंट, आप कौन कौन सी टेक्निक्स यूज करेंगे ताकि आप एक प्राइस सेट कर सकें अपने हर कस्टमर सेगमेंट के लिए, कि जो आपका जितना कस्टमर सेगमेंट आपने आइडेंटिफाई किया है, ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक ही प्राइस हर किसी से चार्ज करेंगे। अगर मैं एक समझो कंपनी जो वीडियो गेम बनाती है, मैं कुछ प्रोडक्ट अपना फ्री रखूंगा ताकि जो मेरे पास एक सेगमेंट होगा जो मुफ्त है, जो मुफ्त हो रहे हैं, जो कभी पैसे नहीं देते किसी चीज के लिए, मैं उनको लाना चाहता हूं ताकि मेरे पास व्यूअरशिप बढ़े, तो वो क्या होगा, वो मेरा एक कस्टमर सेगमेंट है जो फ्री में गेम खेलना चाहते हैं, उन लोगों को मैंने अनलॉक करके बेसिक सा गेम का फीचर दे दिया है। फिर एक मेरा सेगमेंट होगा जो कि गेम बड़ा सीरियसली लेते हैं, वो उस पर पैसे भी खर्च कर रहे हैं, वो स्किन्स खरीद रहे हैं, वो वेपन्स खरीद रहे हैं, वो नए नए मैप्स खरीद रहे हैं, उन लोगों के लिए मैं क्या करूंगा, उनके लिए मैं दूसरी प्राइस सेट करूंगा, कि स्किन के लिए समझो $4 रखूंगा, मैप खोलने के लिए मैं $20 रखूंगा, मैं उनको कोई और चीज एक्स्ट्रा फीचर देने के लिए सुपर पावर या कोई देने के लिए मैं उससे $25 ले लूंगा उससे। तो क्या होगा, मैं हर सेगमेंट के लिए डिफरेंट प्राइस रखूंगा, तो ये नहीं होगा कि मैं कहूंगा यार एक प्राइस है मेरी, एवरीवन पेस दैट सेम प्राइस। तो हर बिजनेस को ये सोचना पड़ता है यार, मैं अगर कंपनी आती है मेरे पास जिसके पास 10,000 कस्टमर है और एक कंपनी आती है जिसके पास 10 है, तो मैं दोनों से एक कीमत नहीं चार्ज कर सकता, 10,000 वाले से मैं ज्यादा चार्ज कर सकता हूँ, 10 वाले से मैं जो है हो सकता है उससे कम लूँ। मैं उसको कहूँ यार तुम फ्री में आ जाओ, जब तुम्हारा बिजनेस इंशाल्लाह बढ़ जाएगा तब मुझे पैसे देना। तो इस तरह से आपको प्राइसिंग मॉडल अपना डिसाइड करना होता है। तो व्हाट वैल्यू आर कस्टमर्स विलिंग टू पे फॉर, जो उसकी हमने बात की थी, जो वैल्यू डिसाइड करने के लिए होता है, आप जो अपना यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन बना रहे थे, जो हमने सबसे पहले क्लास में बात की थी कि आपकी यूनिक पोजिशनिंग स्टेटमेंट जो यूनिक होता वो क्या है, आपको कॉम्पिटिशन को देखना है वो मार्केट में क्या चीज लेके ऑलरेडी आ चुके हैं, वॉट आर दे ऑफरिंग इन द मार्केट विच इज नॉट रियली सर्विसिंग द कस्टमर्स। आपको ये देखना है मैं एक यूनिक चीज ला रहा हूँ, मैं एक्स्ट्रा फीचर्स दे रहा हूँ, मैं कस्टमर की नफ्सियात को जानता हूँ। जैसे हमने वेज की एग्जाम्पल देखी थी क्लास में, कि वेज क्या कर रहा था, वो सोशल एंगल ले आया था ट्रैवलिंग के अंदर, जो गूगल मैप्स ने नहीं सोचा था जिसके बारे में। गूगल मैप सोच रहे हैं मैं एक आदमी एक फर्ज ट्रैवल कर रहा हूँ, दैट्स इट। वेज ने ये देखा कि यार लोग आपस में अमूमन किसी के घर जा रहे होंगे, कुछ और हो रहा होगा, तो क्या है उन्होंने वैल्यू ढूंढी कस्टमर के लिए, वो क्या दे सकते हैं, और उसकी बेसिस पे उनकी कंपनी इतनी महंगी बिकी बिलियंस ऑफ डॉलर्स में, क्योंकि उन्होंने कस्टमर के उसको टैप इन कर दिया था कि यार कस्टमर इस तरह बिहेव करता है। तो आपका जो बिजनेस है, अगर आपने वैल्यू अच्छी डिसाइड कर ली कि जो चीज आप बना रहे हैं, तो कस्टमर उसके लिए ज्यादा पैसे देने को तैयार हो जाएगा। मार्केट में हो सकता है 10 रुपए की चीज मिली हो, वो आपको 100 रुपए दे देगा कि यार वो 10 रुपए वाली चीज मुझे चाहिए ही नहीं थी, मुझे तो तुम्हारी वाली चीज चाहिए, तो मैं इसके लिए 100 रुपए देने को तैयार हूं। तो आपको ये करना है, जो आप अपना बिजनेस प्लान बना रहे हैं, आपको देखना है मैं वैल्यू क्या दे रहा हूँ कस्टमर को। इफ यू आर मेकिंग अ प्रोडक्ट विच इज टोटली यूनिक, नेवर बिफोर डन इन पाकिस्तान, आपको देखना है उसकी मार्केट एग्जिस्ट करती है कि नहीं, और उसके बाद आपको ये देखना है कि मैं कितना ऐसे चार्ज कर सकता हूँ कि कस्टमर भाग नहीं जाएगा। ये जब चीजें आप कर लेते हैं तो आपकी वैल्यू क्रिएशन होती है। आपको ये देखना है हाउ डू कस्टमर्स पे फॉर प्रोडक्ट्स टुडे। अब आजकल हमारे यहाँ दौर किस चीज का है, ये ऑनलाइन पेमेंट, ऑनलाइन वो ट्रांजेक्शन वगैरह, इसके नंबर्स आप वेरीफाई करें, क्योंकि सबसे ज्यादा जो बैंकर शिकायत करते हैं वो कहते हैं ये सारे जो प्रोडक्ट्स हम बना रहे हैं अमाउंट इनसे काफी आ जाती है ट्रांजेक्शन की, बट वॉल्यूम नहीं है, नॉट मेनी पीपल आर पेइंग ऑनलाइन, क्योंकि क्या होता है कैश ऑन डिलीवरी पे ही अभी तक रिलायंस हो रही है, लोग अभी भी कैश के थ्रू पेमेंट्स कर रहे हैं। इजी पैसा वगैरह कितने सालों से यहाँ पे, उसकी जो ट्रैक्शन है, जो स्पीड है, वो नहीं बढ़ पा रही। तो क्या होता है, आपको ये देखना है जो कस्टमर को मैं टैप इन कर रहा हूँ, जो मेरा सेगमेंट है, वो कैसे पैसे अपना इस्तेमाल करता है, हाउ इज दैट कस्टमर विलिंग टू पे। तो हो सकता है यंगर लोग जो है वो जैज कैश और इजी पैसा और बैंक टू बैंक ट्रांसफर कर लेते हो ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू, मगर जो ग्रोन अप्स हैं वो तो नहीं करेंगे इस तरह से। आपकी कंपनीज हैं, कॉरपोरेशंस, वो अभी तक चेक के थ्रू पे करती हैं, वो ये नहीं करती कि जी डायरेक्ट पेमेंट वो हो रही हो, या वो आपसे अगर डायरेक्ट पेमेंट कराती तो वो कहती है आपकी कंपनी, आपका सॉफ्टवेयर हमारे सिस्टम में इंटीग्रेटेड हो, इन द सेंस ऑफ कि आपको सारी उनको अपना बैंक डिटेल्स और हर चीज करा के तब वो डायरेक्ट डिपॉजिट करते हैं। तो आपको ये देखना है कि जब आप अपना बिजनेस प्लान बना रहे हैं, आप प्राइसिंग सेट कर रहे हैं, आपका कस्टमर पैसे कैसे देगा, किस तरह आप उसको चार्ज करेंगे ताकि वो सीमलेसली आपको ट्रांसफर कर दे मनी without any problem. If the customer has an issue,
मेकिंग द पेमेंट्स, वो तो आपका कस्टमर दोबारा नहीं आएगा आपके पास, यार मुझे प्रोडक्ट चाहिए दराज पे, मैं गया ऑनलाइन, मैंने उस पर कार्ड डाला, उसने रिजेक्ट कर दिया, डिक्लाइन कर दिया, वॉट इज द प्रोबेबिलिटी कि मैं दोबारा दराज पे जाऊंगा अपनी पेमेंट उसको उस तरह करने के लिए? कभी भी नहीं. फिर यही होगा कि दैट मेक्स मी गो अवे फ्रॉम दैट सर्विस एंटायरली. तो यू हैव टू बी श्योर जो आप पेमेंट प्रोसेस सिलेक्ट करेंगे फॉर दीज वैल्यू प्रोपोजिशंस एंड प्राइसिंग मॉडल्स, वो जो है वो रिलेवेंट है कि आज के तारीख में लोग इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं, और आज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कल क्या करने वाले हैं लोग. क्योंकि अगर आपने आज इन्वेस्ट किया, एक वेबसाइट बनाई, सब कर दिया कि जी हम HBL का गेटवे यूज करें, जो भी करें, और बाद में आपको पता चलता है कि जी कस्टमर तो इस तरह पे ही नहीं कर रहा है, वो तो चला गया जैस कैश और इजी पैसा पे, तो यानी जो तुमने पैसा लगाया, जो अकाउंट क्रिएट किया, दैट वेस्टेड योर टाइम. तो यू हैव टू फ्यूचर प्रूफ योर बिजनेस. फ्यूचर प्रूफ के क्या मतलब है, जूम तैयार था एक एपिडेमिक के लिए. तो यानी आजकल हर कोई आदमी जूम पे जा रहा है, अगर वो तैयार नहीं होते, देयर वेबसाइट वॉज नॉट एबल टू होल्ड द वेट, क्रैश होने लगती हर उस पर, उस कंपनी के शेयर का क्या हशर होता, डिस्ट्रॉय हो जाता. तो यू वॉन्ट टू मेक श्योर कि योर बिजनेसेस आर रेडी टू हैंडल द स्ट्रेसेस ऑफ टुमारो. तो ये कि हाउ आर माई कस्टमर्स पेइंग टूडे एंड देन हाउ विल दे बी पेइंग टुमारो, आप ताकि उसी हिसाब से अपना बिजनेस को क्रिएट कर सकें. तो आपको चैनल जो आप बिजनेस अपना बना रहे हैं, आपको देखना है किस तरह आप पेमेंट चार्ज करेंगे अपने कस्टमर से. अभी तक पाकिस्तान में कैश ऑन डिलीवरी इज द मोस्ट पॉपुलर वे ऑफ पेइंग. फ्यूचर में इट माइट बी चेंजिंग, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी अगले 5-10 साल में भी कोई चेंज होने वाला है, क्योंकि कैश और उसकी जो है ना, पीपल प्रेफर हैविंग कैश ऑन देम रादर देन किसी बैंक का अकाउंट, या वो अपने शेयर कर दें किसी भी अननोन या अनट्रस्टेड बिजनेस के साथ. लोग घबराते बहुत हैं, और फॉर गुड रीजन, क्योंकि यहाँ का बैंकिंग सिस्टम इज नॉट रियली दैट एफिशिएंट, प्रोटेक्शन नहीं होती. आपके HBL का स्कैंडल हुआ था कुछ महीने पहले कि लोगों के बैंक अकाउंट में से 1-1 लाख रुपए, 15,000 रुपए सब गायब हो गए थे, और पीछे पड़ जाए बैंक के तो वो वैसे ही उसकी मदद नहीं करते. तो यू वॉन्ट टू मेक श्योर कि आप किस तरह से अपनी पेमेंट का कलेक्ट करेंगे. पाकिस्तान में कैश इज स्टिल किंग, लेकिन ये कि फ्यूचर में हो सकता है चेंज हो जाए, अगर कोई नई सिस्टम आ जाए या कोई नया प्लेटफॉर्म आ जाए जो सेफली पैसों को ट्रांसफर कर सकता हो. हाउ मच आर दे करेंटली पेइंग, दिस इज अ कॉन्सेप्ट यू हैव टू थिंक अबाउट. कि आप अपने कस्टमर्स को सर्वे करते हैं, आप उनसे देखें यार तुम आज क्या दे रहे हो, लेकिन अगेन ये मत भूलना कि आज के जो दे रहे हैं इट इज नॉट फॉर योर प्रोडक्ट, इट इज फॉर अ प्रोडक्ट दैट इज नॉट एडिंग वैल्यू. आप जो अपना यूनिक बिजनेस बनाने जा रहे हैं उसको ज्यादा वैल्यू देना है एग्जिस्टिंग मार्केट से. अगर आप वही चीज लेके आ रहे हैं जो मार्केट में एग्जिस्ट करती है, आप क्या करने जा रहे हैं, जी मैं एक बिजनेस बना रहा हूँ सॉफ्टवेयर हाउस. अच्छा ठीक है, यूनिक किया तुम्हारे बारे में, जी हम लोग बड़े टैलेंटेड है, ये हमारी यूनिक फीचर है. रबिश, कोई यूनिकनेस उसके अंदर नहीं है, तो तुम ज्यादा नहीं चार्ज कर सकते उसके, क्योंकि जो मार्केट में हो सकता है तुम्हें कम ही चार्ज करना पड़े ताकि तुम मार्केट में एंटर हो सको. अगर तुम ये कहते हो कि जी हम एक बिजनेस सॉफ्टवेयर हाउस खोल रहे हैं, क्या कर रहे हो, हम लोग स्पेशलाइज कर रहे हैं डेटा साइंसेज के अंदर, यूजिंग AI एंड डेटा साइंस हम बिजनेस को और एफिशिएंट बना देते हैं, हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं कंपनीज के लिए जिससे उनके डेटा नीड्स और उसकी बेसिस पे दे सेविंग मनी. अब तुम्हारे पास यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन है, तुम उस कंपनी से अगर आम सॉफ्टवेयर हाउस 50,000 रुपए या 1 लाख रुपए चार्ज कराते हैं एक बेसिक सॉफ्टवेयर का, तुम उससे 4 मांग सकते हो, क्योंकि तुम उनको दिखा रहे हो मैं आपके पैसे भी बचा रहा हूँ लॉन्ग रन में, मेरे पास एक यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन है, मैं वेबसाइट नहीं बनाता, मैं बेकार काम नहीं कर रहा, मैं AI और उसका काम कर रहा हूँ डेटा साइंसिस का, यू कैन चार्ज मोर. हाउ मच आर दे करेंटली पेइंग ओनली वर्ड से फेस एन एग्जैक्टली सेम प्रोडक्ट. अगर एग्जैक्ट सेम प्रोडक्ट दे रहे हो तभी तुम पेप्सी बेच रहे, तुम अपनी एक चेप्सी लेके आ गए समथिंग उसी तरह के प्रोडक्ट, तुम फिर उनसे जो उन्होंने गोरमे वालों ने किया, गोरमे कोला और सोडा पता नहीं कौन सा है जो हुमायूं सईद वाला एड वाला था नॉनसेंस, पॉप कोला या जो भी था, तो अगर पेप्सी 40 रुपए की बेच रही है वो 38 की बेच रहे हैं या 35 की बेच रहे हैं, क्योंकि क्या है वो सेम प्रोडक्ट दे रहे हैं, कोई यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन नहीं है. अगर आप कोई नई चीज लेके आते हैं जिसके अंदर तुख्मे बालंगा पड़ी हुई है या ऑर्गेनिक ड्रिंक्स हैं या जूसेस हैं या कुछ है, आप ज्यादा चार्ज कर सकते हो उसके. तो ये जो सवाल है ये ओनली मैटर करता है अगर आपका सिमिलर या एग्जैक्ट सेम प्रोडक्ट हो. अगर आप क्योंकि और हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हम क्या करें, यू आर क्रिएटिंग समथिंग ऑफ ग्रेटर वैल्यू, कोई नई चीज लेके आ रहे हो, नए सेगमेंट को टारगेट कर रहे हो, उसके लिए तुम फिर ज्यादा चार्ज कर सकते हो. यू कैन चार्ज मोर फॉर योर बिजनेस, जरूरी नहीं है कम चार्ज करो. तो हाउ मच आर दे करेंटली पेइंग, ताकि आपको मार्केट में अंदाजा हो जाए कि यार मेरा हर सेगमेंट के पास पैसा कितना है जो वो देने के लिए तैयार है. मगर अगर आप कोई एक्स्ट्रा चीज लेके दे रहे हैं तो आप उससे ज्यादा चार्ज कर सकते हैं. इसके अंदर एक मिसाल ये आप ये ले सकते हैं कि अगर आप समझे मासी आपके यहाँ, तो मासी कितने चार्ज करती है, भाई हर घर में एवरेज रेट होता है, कहीं पे 4,000, कहीं 3,000, कहीं 9,000. तो ये क्या हो रहा होता है, आप जिस एरिया में रहते हैं उस हिसाब से आप चार्ज करें. इफ यू क्रिएट अ सर्विस,
कि आपकी मेड आएगी, सिर्फ 1 घंटा 2 घंटा रहेगी घर में, प्रोफेशनल होगी ट्रेंड, आके हर चीज साफ करके चली जाएगी, जो भी है। तुम अपनी मर्जी से रेट सेट कर सकते हो। तुम ये सेट कर सकते हो कि जी पर आवर हम चार्ज करेंगे 300 रुपीज, और ये जो है हमारी मासी रोज आया करेगी, यूनिफॉर्म में होगी, ट्रेन हुई भी होगी, तो यानी उसको पता है कौन सा केमिकल किस चीज पे डालना है, सामान अपना लेके आएगी प्रोफेशनल, वैक्यूम और झाड़ू, और वो 1 घंटे में वो काम करके जो पूरी जो मासी दिन भर में लगाए हुए होती है, कि जो पूरे दिन पड़ी रहती है घर में, कभी झाड़ू पड़ रहा है, कभी कुछ हो रहा है, फिर बैठ के चाय पी रही है, फिर कहीं और चली गई, ये सब खत्म हो जाएगा। तुम फिर ज्यादा चार्ज कर सकते हो कस्टमर से, कि पर आवर के हिसाब से, पर उसके रेट के हिसाब से, और वो देने को तैयार होंगे जिन लोगों को ये इंपॉर्टेंस लगती है इसकी, जो प्रोफेशनल्स हैं जिनके पास टाइम नहीं होता कि घर में मासी घूमती रहे, उनके उनको तो यार जल्दी आए काम करे भागे यहाँ से, तो उसके पैसे भी देने को तैयार होंगे। 300 रुपए पर आवर वो खुशी खुशी दे देंगे कि प्रोफेशनल आए घर साफ करे दफा वहां से। तो ये क्या होता है, ये आपका ये प्राइसिंग स्ट्रेटेजी के अंदर ही इंपॉर्टेंट होता है। तो कौन कौन से मेथड्स होते हैं, हाउ डू यू मेक सेल्स, जो बिजनेस मॉडल की हम बात करें, किस तरह आप पैसे रियलाइज करेंगे। तो पहला होता है एसेट सेल, दिस इज व्हेन यू सेलिंग अ फिजिकल प्रोडक्ट। इसके अंदर मिसाल ये दी हुई है वॉलमार्ट, वहां जाते हैं आप चीजें खरीदते हैं, फोर्ड हो गई, ये गाड़ियां बेचते हैं, थर्मोमीटर आपने किसी से खरीदा, आप इम्तियाज जाते हैं, ये क्या हो रहा था, ये दिस द सेल्स ऑफ ओनरशिप राइट टू अ फिजिकल प्रोडक्ट। आप जो है मैंने कोई चीज बनाई है, उसने मुझे पैसे दिए, अब वो उसकी मिल्कियत हो गई, एसेट सेल। जो भी फिजिकल प्रोडक्ट है यू गिवन इट ओवर टू अ कस्टमर, नाउ इट इज हिज प्रॉपर्टी। सॉफ्टवेयर अगर आप देखें, गूगल वगैरह हो गया, वो आपकी अथॉरिटी नहीं देता आपको। गूगल अगर आप यूज कर रहे हैं तो वो क्या कहता है, उस पर लिखा हुआ होता है कि जब आप टर्म्स एंड एग्रीमेंट साइन करते हैं, कि अगर आप जीमेल यूज कर रहे हैं, सारी ईमेल सारी कम्युनिकेशन इट इज प्रॉपर्टी ऑफ गूगल, सो इट इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ यू एज अ कंज्यूमर, सो दे आर नॉट सेलिंग यू द सॉफ्टवेयर। कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं, ये वो होते हैं जो आप उनसे खरीदते हैं, जैसे सॉफ्टवेयर हाउस अगर आप कुछ बनवाएंगे, जब उनकी टर्म एंड एग्रीमेंट एंड होता है, वो आपको प्रोडक्ट हैंड ओवर कर देते हैं, वो अब आपकी मिल्कियत है, आप उसमें मॉडिफिकेशन करा सकते हैं, आप उसको दोबारा रीचेंज कर सकते हो, उसका डिजाइन चेंज कर सकते हैं, हर चीज कर सकते हो सॉफ्टवेयर का, क्योंकि यू बॉट इट, सो दैट इज एन एसेट सेल। तो आपका बिजनेस ये देखता है कि इज इट एन एसेट सेल और इज इट समथिंग एल्स। अगर आप कोई चीज फिजिकली हैंड ओवर कर रहे हैं कस्टमर को, कि देखो ये मेरी ये चीज है, ये अब तुम्हारी मिल्कियत है, तुम इसको चेंज करो, डिस्ट्रॉय करो, खाओ पियो जो भी करो, ये तुम्हारी मिल्कियत है, सो दैट इज एसेट सेल। सो इज योर बिजनेस सेलिंग एन एसेट, आपको ये देखना है। फ्रेंच फ्राइज वाला एसेट सेल कर रहा है, चिप्स बनाता है और आपको दे देता है, अब आप उसको खा के हक दें, ये आपकी मिल्कियत है, यू डू वट एवर यू वॉन्ट, उठा के डस्टबिन में फेंक दें, इट्स अगेन योर चॉइस, इट्स एन एसेट सेल। तो ये सबसे पहला होता है। दूसरा क्या होता है, यूजेज फी, ये अभी हमने बात की थी, जैसे गूगल जीमेल जो आपसे चार्ज ही नहीं कर रहा, वो किस चीज के पैसे कमाता है, वो आपको एडवर्टाइजिंग बेचेगा, आपका सारा डेटा ले गए, किससे ईमेल कर रहे हो, कौन दोस्त है तुम्हारे, किस तरह की ईमेल आ रही है, वो सारा डेटा ले रहा है। लेकिन कुछ सर्विसेज होते हैं जैसे फेडएक्स है, या आपका अमेजोन वेब सर्विसेज हैं, वो क्या करें, वो आपको एक्सेस देते हैं और आपसे चार्ज करते हैं किराया, आपका पीटीसीएल ब्रॉडबैंड जो है, अगर वो आपसे 1200 रुपए या 2000 रुपए ले रहे हैं इंटरनेट के, वो क्या हो रहा है, वो आपसे फीस ले रहे हैं उनकी सर्विस इस्तेमाल करने के लिए। तो पीटीसीएल, एमेजॉन, टेलेनोर, ये क्या कर रहे हैं सारे, ये यूजेज फी लेते हैं, सिस्टम उनका, इंफ्रास्ट्रक्चर उनका, हर चीज उनकी है, लेकिन क्या है, आपको उस पर दाखिल होने के लिए वो आपसे पैसे ले रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, यूजेज फी, फी इज प्रोपोर्शनल टू द यूजेज ऑफ सर्विस। ये जो है आप सॉफ्टवेयर के अंदर सेल कर सकते हैं, इफ यू आर बिल्डिंग अ सॉफ्टवेयर फॉर एग्जाम्पल, आप क्या कर सकते हैं, आप उनसे चार्ज कर सकते हैं कस्टमर से सॉफ्टवेयर यूज करने का। अगर आपने कोई टिकटिंग ऐप बनाई है, यू क्रिएटेड अ ऑनलाइन ऐप स्टोर, एन ऑनलाइन वेबसाइट जहां पे लोग ट्रेन के टिकट खरीद सकते हैं, तो हो सकता है उसके अंदर टिकट तो बेचेंगे ही आप उनको, तो वो तो एसेट उनको दे दिया, साथ में आपने अपनी यूजेज फी चार्ज की, कि हमने आपको टिकट दिला के दिया है तो 10 रुपए हमारे, या आप रेलवे वालों से चार्ज करेंगे कि यार 10 रुपए हमें दो क्योंकि हमने तुम्हारा टिकट बेचा है। तो क्या होता है, ये यूजेज फी होती है, तो यू एड इन दैट। तो तीसरी चीज क्या है कि फी इज, ये है कि यूजेज फी है कि फी इज प्रोपोर्शनल टू द यूजेज ऑफ सर्विस। तीसरी चीज क्या होती है, सब्सक्रिप्शन फी, फी फॉर कंटिन्यूस एक्सेस टू अ सर्विस। इसके अंदर डिफरेंस ये है कि यूजेज फी के अंदर ये होता है, आपने उसको यूज किया सर्विस को फॉर वन टाइम, एमेजॉन हो गया जो भी हो गया, एंड देन इट्स डन। सब्सक्रिप्शन फी होती है ये मंथली कंटिन्यूअस सर्विस, तो पीटीसीएल एक्चुअली वुड फॉल अंडर दिस थिंग, कि आप हर महीने उनके पास वापस आ रहे हैं वही सर्विस यूज करने के लिए। तो आप क्या करें, इसके अंदर आपने एक दफा यूज किया, जैसे आपको शिपिंग करानी थी फेडेक्स से, या आपको कोई पार्सल भिजवाना था पाकिस्तान पोस्ट से, एक दफा आपने पैसे दिए, उसको इस्तेमाल किया सर्विस को, और आपने उसके मतलब जितनी सर्विस आपने यूज की, आपने उसमें पैसे दिए और आपको सर्विस मिल गई। सब्सक्रिप्शन फी क्या होती है,
ये रिटेनर टाइप की होती है, हर महीने आपको एक गारंटीड अमाउंट मिल रही होती है पैसों की। इसके अंदर मिसाल ये, जैसे डॉलर शेव क्लब की हमने वीडियो देखी थी, वो हर महीने वो एक फिजिकल प्रोडक्ट दे रहे थे, बेचे वो एसेट रहे थे, शेविंग क्रीम और वो सब वो बेचते थे। लेकिन क्या था, वो उन्होंने मॉडल अपना सब्सक्रिप्शन फी वाला बनाया हुआ था। वो क्या कर रहे थे कि हर महीने आप उनको पैसे बेचते थे, वो आपको उतने सामान भेज देते थे कि जी शेविंग रेजर हो गए, जो भी हो गए, वो उसके हिसाब से आपको वापस भेज देते थे। तो ये सब्सक्रिप्शन फी कहलाता है कि फी फॉर कंटिन्यूअस एक्सेस टू अ सर्विस। बार बार आप उसको एक्सेस कर सकते हैं उस बेनिफिट को, एंड देन यू कैन री यूज इट अगेन एंड अगेन। ठीक है, तो salesforce.com हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, इसके अलावा डॉलर शेव क्लब की हमने क्लास में एग्जाम्पल देखी है, तो उसको डिफरेंट है। यूजेज फी में एयरबीएनबी की एग्जाम्पल आती है। एयरबीएनबी क्या है, एक दफा आपने इस्तेमाल किया, आपने उस वक्त उसके पैसे दे दिए, फिर आपने यूज नहीं किया, महीने का आप कुछ नहीं दे रहे, जब आपको जरूरत है आपने इस्तेमाल की, आपने उसकी यूजेज फी दे दी। सब्सक्रिप्शन फी क्या है, आप हर दफा उस पर वो कर रहे हैं, यू पेइंग अगेन एंड अगेन। एक मेथड क्या होता है, ये होता है कि रेंटिंग, कि यू यूज समथिंग फॉर अ स्मॉल वाइल, एंड देन वो क्या होता है कि आपने टेम्पररी एक्सेस हासिल किया टू अ गुड और अ सर्विस। ये वेबसाइट है चेग, यहाँ पे आप यूनिवर्सिटी की किताबें खरीदने के बजाय बोरो करते हैं। आपने क्या किया, पैसे दिए इस कंपनी को, 6 महीने के लिए आपको एक किताब मिल गई, जो आपको समझे अकाउंटिंग की चाहिए थी या कंप्यूटर्स की चाहिए थी। तो बजाय इसके आप किताबें खरीदें जो ज्यादा महंगी आपको पड़ती, आप जो है रेंट कर रहे हैं। इसी तरह बोरो लेंसेज हैं कि ऑनलाइन कैमरा गियर रेंटल, आप जो है समझे आपको कोई बड़ी इंपॉर्टेंट फोटोग्राफी की शूट आ रही है और आपके पास वो लेंस नहीं था। अब एक लेंस डिजिटल कैमरे के जो अच्छे वाले होते हैं वो लाखों रुपए के पड़ते हैं। तो आपके पास पैसे नहीं, आपने क्या किया, आपने बोरो कर लिया थोड़ी देर के लिए, आपने पैसे दिए और आपको फी दी है आपने टेम्पररी एक्सेस के लिए टू अ गुड और सर्विस। तो आप रेंट करते हैं थोड़ी देर के लिए, उसके अंदर क्या होता है, आपको यू हैव टू साइन अप अग्रीमेंट के भाई वो चीज डैमेज नहीं होगी, उसी हालत में आप उसको वापस करेंगे। लेकिन क्या है, उस दौरानिए के लिए वो चीज आपकी जिम्मेदारी है, आपको मिल गई है, इट इज योर्स देन ओनली फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो क्या है, ये रेंटिंग का एक मॉडल होता है। यू कैन चार्ज कस्टमर्स बेस्ड ऑन रेंटिंग एज वेल, कि आप उनको चीजें दे रहे हैं कि ये तुम थोड़े देर के लिए इस्तेमाल करो और जितनी देर इस्तेमाल करोगे ये मुझे वापस जब करोगे। गाड़ियां रेंट की जाती हैं, जैसे गाड़ी रेंटल सर्विस क्या होता है कि जितनी देर गाड़ी आपको चाहिए, 1 घंटा, 6 घंटे, 12 घंटे, 1 दिन, आपको उस हिसाब से वो चार्ज कर रहे होते हैं और उसी हिसाब से आपको फिर पेमेंट मिल रही होती है। एक होता है लाइसेंसिंग। लाइसेंसिंग क्या होता है कि फी फॉर यूज ऑफ सम आईपी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग सॉफ्टवेयर। अब इसमें क्या हो रहा होता है, आप समझे माइक्रोसॉफ्ट है या ईए गेम्स है, ईए वाले क्या करते हैं, फीफा या उनका जो है उनके प्लेयर्स के लिए उनकी शक्ल इस्तेमाल करने के लिए, उनका लोगो इस्तेमाल करने के लिए उनको पैसे देता है। ये होता है लाइसेंसिंग, कि अगर किसी ने कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपनी बनाई हुई है और आप उसको यूज करना चाहते हैं, अगर आप समझे बुरका अवेंजर को यूज करना चाहेंगे कि जी हम एक एड बना रहे हैं, जिस तरह कमांडर सेफगार्ड आता है उनके लिए, हम लड़कियों के लिए एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो हम चाहते हैं बुरका अवेंजर उसमें यूज करें, तो आपको लाइसेंसिंग करनी पड़ेगी, आपको उनको पैसे देने पड़ेंगे बुरका अवेंजर की शक्ल इस्तेमाल करने के लिए, क्योंकि वो उसके पैसे लेंगे फिर। तो क्या होता है कि अगर आपको कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यूज करनी है थोड़ी देर के लिए या किसी प्रोडक्ट के लिए या उसके लिए, आपको लाइसेंसिंग करनी पड़ती है। तो अब जैसे हम लोग लास्ट क्लास में बात कर रहे थे कि लैपटॉप होते हैं, वो होते हैं उसके अंदर आप देखते हैं कि इंटेल का लोगो लगा हुआ होता है कि जी इंटेल जो इंटेल इनसाइट, तो उसमें क्या हो रहा था कि वो इंटेल का लोगो इस्तेमाल करने के लिए दे हैव टू बेसिकली पे अ लाइसेंसिंग फी, ताकि उनके प्रोडक्ट की वाह वाह हो। तो माइक्रोसॉफ्ट, ईए, अ लॉट ऑफ कंपनीज डू लाइसेंसिंग नाउ। उसमें ये होगा कि दे विल पे कंपनीज या ब्रांड्स उनकी लोगो इस्तेमाल करने के लिए। तो अगर आप लोग समझे कोई कैंपेन बना रहे हैं जिसके अंदर आप चाहते हैं कोई कार्टून कैरेक्टर हो, क्या आप चाहते हैं जी बैटमैन नजर आ जाए या कुछ वो उनके आपके एड में, तो फिर क्या होगा, आपको डीसी वालों को एड के पैसे देने पड़ेंगे। तो ये लाइसेंसिंग कहलाती है कि दिस इज सम वन वे के, एंड यू कैन डू द सेम थिंग बाय द वे। इसके अंदर आप एक मिसाल देखें, कितने लोग हैं जिन्होंने उसका नाम सुना हुआ है, स्टॉक फोटोज का जो है कि स्टॉक फोटो यूज करने के लिए। वो क्या हो रहा होता है कि अगर आप जाते हैं वेबसाइट के ऊपर स्टॉक फोटोज उठाने के लिए, तो आप क्या करते हैं, यू पे देम अ फी वो तस्वीरें या वो उसको यूज करने के लिए, वो वीडियोस यूज करने के लिए। तो उसमें क्या होता है, वो लाइसेंसिंग का मॉडल होता है। आपने एक लाइब्रेरी बना ली जिसके अंदर स्टूडेंट्स की तस्वीरें हैं और आप ये कहते हैं कि जो मेरी तस्वीर इस्तेमाल करेगा, ये आप लोगों ने उसमें जो ग्राफिक डिजाइनिंग करते हैं बच्चे या स्टूडेंट्स, उन्होंने ये देखा होगा कि ये इस तरह के फ्री वेक्टर, क्या नाम है उसका, freepics.com और इस तरह की वेबसाइट है जहां पे वो वेक्टर्स और वो उठाते हैं डिजाइन और लोगोज और पैटर्न्स, तो उसपे वो लाइसेंसिंग होती है कि आपको पैसे देने पड़ते हैं वो डिजाइन यूज करने के, $1, $10, $50, जो भी उसके डिजाइन का होता है। तो ये होता है लाइसेंसिंग का मॉडल, कि यू यूजिंग इट फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी।
वन एरिया वेर यू आर एक्चुअली मेकिंग मनी, इंटरमीडिएशन फी होती है, ऑफन फाउंड इन मार्केट प्लेसेस ऑफ वेरियस टाइप्स, अ फी फॉर ब्रिंगिंग टुगेदर टू और मोर पार्टीज इन्वॉल्व इन अ ट्रांजैक्शन। इसमें एयरबीएनबी की तो हम मिसाल देख चुके हैं कि ये घरों को रेंट देते हैं, ना घर इनका ना कस्टमर ये खुद होते हैं। ये क्या करते हैं, ये मार्केट प्लेस क्रिएट करते हैं, कस्टमर से भी पैसे ले रहे हैं और रेंटर से भी पैसे ले रहे हैं। कस्टमर से ये लेते हैं 3 से 5%, जो रेंट कर रहा होता है घर उससे ले रहे होते हैं 5 से 10%, दोनों से ये पैसे कमा रहे होते हैं। तो ये क्या करते हैं, दोनों से पैसे लेते हैं। इसी तरह ये वेबसाइट है एटसी, इसका ये जो एटसी की वेबसाइट है, वो डे डू इज इन्होंने मार्केट प्लेस बनाई हुई कि समझे आप घर में वो बहुत अच्छे बनाती है फ्रेंडशिप ब्रेसलेट, या आपने कोई वो डिजाइन करते हैं आपके पास, आपको हाथ का हुनर अच्छा है, आपने क्या किया हुआ है, यू आर क्रिएटिंग लेदर के गुड्स। तो ये क्या करेगा, छोटे जो बिजनेसमैन होते हैं, बिजनेसमैन भी क्या होते हैं, घर से जो लोग काम कर रहे हैं, एटसी पे वो चीजें बेचते हैं कि जी मैं खुद कढ़ाई करके शर्ट्स बना लेता हूं, तो क्या है, आई कैन सेल दो शर्ट्स ऑन एटसी टू कस्टमर्स। और ये क्या होता है, वन ऑफ अ काइंड प्रोडक्ट्स होते हैं, क्योंकि कहीं और मार्केट में मिल नहीं रहे होते, क्योंकि मैंने घर में बनाया बैठ के, तो इट्स वेरी यूनिक, तो एटसी डज दैट। तो क्या होता है, इस तरह की मार्केट प्लेसेस दराज ये कर रहा है। दराज क्या करता है, वो दोनों से पैसे ले रहा होता है कि कस्टमर से पैसे कलेक्ट करता है, उससे अपना कट लगता है रखता है, और जो दुकानदार बेच रहे हैं वो उससे कट रखता है कि भाई तुम्हारी दुकान पे मैंने चीज बेची अपने प्लेटफॉर्म पे से। तो दराज जो इंटरमीडिएशन करता है, ये आप इंटरमीडिएशन जो है वर्ड है ये समझे, मिडल मैन, ये मिडल मैन फी ये ले रहे होते हैं मार्केट से। तो ये जो है, ये ज्यादातर बिजनेसेस मार्केट प्लेस की जो बात करती हैं वो इस तरह दोनों से पैसे ले रही होती हैं। तो अगर आप ट्रैवल एजेंसी या उसके लिए कोई खोलेंगे तो आप होटल से भी पैसे लेंगे और आप कस्टमर से भी पैसे लेंगे। तो दिस इज हाउ यू मेक मनी एज वेल। और ये याद रखें, एक बिजनेस एक मॉडल यूज नहीं कर रहा होता, वो मल्टीपल यूज करता है। तो इसमें ये होता है, एयरबीएनबी की अपनी भी प्रॉपर्टीज है, वो रेंटिंग भी कर रहा है, वो इस तरह भी कर रहा है। तो ये होता है कि बिजनेस में मैंने आपसे बात की थी रेवेन्यू स्ट्रीम की, रेवेन्यू स्ट्रीम एक नहीं होता, मल्टीपल होते हैं। अगर आप उनका लोगो इस्तेमाल करने जा रहे हैं तो एक ब्रांड ही नहीं होगा कि अगर एयरबीएनबी इसमें नजर आ रहा है आपको तो एयरबीएनबी पहले वाले में क्यों था, वो मल्टीपल यूज कर रहे होते हैं स्ट्रैटेजी। देयर इज नॉट जस्ट वन स्ट्रैटेजी दैट इज बीइंग यूज्ड। एक मॉडल क्या होता है, एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग में क्या होता है कि ब्रांड्स क्या करते हैं, कस्टमर्स को एक्सेस देते हैं फ्री में और वो पैसे कमा रहे होते हैं उनकी इंफॉर्मेशन आगे बेच के। तो एडवर्टाइजिंग किस तरह आप पैसे कमा सकते हैं, फी पेड बाय ब्रांड्स एंड कंपनीज टू गेट इन फ्रंट ऑफ पोटेंशियल कस्टमर्स। तो व्हाट हैपेंस विद गूगल इज कि वो आपको फ्री में जीमेल और गूगल डॉक्यूमेंट्स और हर चीज फ्री में क्यों दे रहा है, इतनी अच्छी कंपनी भी नहीं है ना, उनका दिल इतना अच्छी जगह है। क्या कर रहे हैं वो, आपके सारा डेटा एक्वायर करके वो आगे कस्टमर्स उनको बेचते हैं एडवर्टाइजिंग कंपनीज को, और उनसे, क्योंकि उनको ये होता है कि हम इससे पैसे कमाएंगे। और ये दूसरी कंपनी से पैसे लेती हैं आपको एड दिखाने की। अगर आप फेसबुक पे जाते हैं आपको आ रहा होता है कि जी सजेस्टेड आपके लिए कि कौन से एड आपके हैं, आपके आपसे रेलेवेंट होंगे, तो फेसबुक जो है वो पैसे लेता है कंपनी से, उनसे कहता है आप हमें डिटेल्स दें, हमें किस तरह के आदमी को आपका एड दिखाना है। वो कहेंगे जी मैं टारगेट कर रहा हूँ 30-year-old प्रोफेशनल मैन लिविंग इन कराची, तो मुझे वो एड नजर आ जाएगा क्योंकि मेरे ऊपर वो सारी चीजें मैच हो रही हैं। तो एडवर्टाइजिंग क्या होती है, दैट इज अनदर मॉडल यू कैन इनकॉर्पोरेट इन योर बिजनेस। तो एयरबीएनबी डज द सेम थिंग बाय द वे। एयरबीएनबी पे अगर आप जाते हैं तो कुछ स्पॉन्सर्ड लिस्टिंग नजर आती है, कुछ घर होंगे जिसको होगा कि एयरबीएनबी रिकमेंड करा होगा आप ये वाले यूज करें। क्यों, एयरबीएनबी को वो पैसे दे रहे हैं एडवर्टाइजिंग के कि आप हमारा वाला एड दिखाएं कि हम लोग जो है हमारे उस पर प्रॉपर्टी पे रेंटल्स आए। तो एडवर्टाइजिंग इज दैट मॉडल। तो जो मैं बात कर रहा था, अगेन ईच रेवेन्यू स्ट्रीम मे हैव अ डिफरेंट प्राइसिंग टैक्टिक्स। आप हर जो आप आपने क्या किया, ये सारे जो देखे ना ये रेवेन्यू स्ट्रीम्स पे किस किस तरह आप पैसे कमा सकते हैं, और उसमें ये था एसेट सेल, यूजेज फी, सब्सक्रिप्शन फी, ये सारे आप यूज कर सकते हैं अगर आपके बिजनेस से रेलेवेंट है, और सब में आप डिफरेंट प्राइसिंग इस्तेमाल कर सकते हैं कि आपका जो डिफरेंट कस्टमर्स है उनको आप डिफरेंट चार्ज करेंगे। आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को देखें तो 365 पे मल्टीपल प्राइसिंग रखी है। अगर मैं एक सिंगल यूजर हूं तो मुझे कहेगा यार आप $11 दे दें, अगर मैं कोई यूनिवर्सिटी हूं जो अपने हर बच्चे को फ्री में ऑफिस देना चाह रहा हूं वो मुझसे ले रहे होंगे $300 या $800 पर मंथ। क्यों, क्योंकि उनको ये कि ये जो है मैं इतने सारे अकाउंट्स फ्री में दे रहा हूं अपने कस्टमर्स को, तो वो $11 एक आदमी से चार्ज कर रहे हैं या वो $400 या $800 चार्ज कर रहे हैं यूनिवर्सिटी से और उनसे। क्यों, ताकि उनकी मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम हो। हर अगर वो उनसे भी एक $11 मांगेंगे पर स्टूडेंट, वो कभी नहीं आएगा उसके पास यूनिवर्सिटी का प्लेटफॉर्म, वो कहेगा हम पैसे क्यों दे तुम्हें, हम तो बच्चों से पायरेट करा देंगे, फ्री में इस्तेमाल करें वो। तो क्या होता है, उन्होंने हर कस्टमर सेगमेंट के लिए एक अलग रेवेन्यू बनाया हुआ है किस तरह वो पैसे चार्ज करेंगे। तो ये आपको ये देखना होता है कि ईच रेवेन्यू स्ट्रीम में अ डिफरेंट प्राइसिंग टैक्टिक, आप डिफरेंट स्टाइल्स यूज कर सकते हैं। प्राइसिंग के अंदर जब जाते हैं हम, क्योंकि अभी हमने रेवेन्यू स्ट्रीम की बात कर ली है, प्राइसिंग के अंदर जब हम जाते हैं तो दो तरह होते हैं।
एक होता है फिक्स प्राइसिंग। फिक्स प्राइस क्या होती है कि जो आपने अज्यूम किया है कि जो मार्केट के अंदर हो रहा है कि जो ये इसकी प्राइस होगी दैट सेट, उसमें हो रहा होता है कि आपने क्या, एक टेक्निक होती है कॉस्ट प्लस मार्कअप। ये होता है कि आपने पानी की बोतल बनाई है, 30 रुपए की पानी की बोतल आपको कॉस्ट पड़ती है, प्लास्टिक ढक्कन उसके साथ जो उसका धागा है वो जो उसको बांधने के लिए आपको पड़ी 30 रुपए की। आपने कहा यार मैं 30% प्रॉफिट इस पर रखना चाह रहा हूं, तो आपने 9 रुपए उसमें और ऐड कर दिए, आपने 40 रुपए की बेच दी उसको। क्यों? कॉस्ट 30 रुपए थी, मार्कअप आपने अपना प्रॉफिट जो है कि यार मुझे अपना प्रॉफिट रखने के लिए कितना मैं चार्ज कर सकता हूँ, तो आपने वो ऐड करके प्रोडक्ट को मार्केट में भेज दिया। ये होती है फिक्स प्राइस एक तरह की, कॉस्ट प्लस मार्कअप। कितने की कॉस्ट मुझे पड़ी बनाने की, क्या मैंने मार्कअप इसके ऊपर चार्ज किया, कितना मेरा प्रॉफिट होना चाहिए, आपने वो ऐड करके मार्केट में आप ले आए 40 रुपए की। दूसरी टेक्निक क्या है फिक्स प्राइसिंग की, वैल्यू प्राइस बेस्ड ऑन कस्टमर सेगमेंट और फीचर्स। आपने ये सोचा है कि यार मैं कस्टमर को वैल्यू क्या देने जा रहा हूं। अगर आप इसकी मिसाल देखें स्पोर्ट्स कार की, स्पोर्ट्स कार प्राइस ये देखता है कि ये नहीं होता कि कॉस्ट उसको क्या पड़ी है। गाड़ी हो सकता है उसकी बन जाती हो $100,000 में, लोहा टॉप जबरदस्त किस्म का लेदर इस्तेमाल कर दिया, सब कर दिया, मैक्सिमम भी गई तो 100,000 डॉलर तक गई, लेकिन वो किस पे बेचते हैं, वैल्यू। कि यार अगर मेरा लैम्बोर्गिनी का ब्रांड या फरारी का ब्रांड उनको नजर आ रहा है, वो 2 मिलियन से कम की तो गाड़ी हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि जो मेरे पास कस्टमर आ रहा है वो बहुत नामवर शख्सियत हैं, वो सेलिब्रिटीज हैं, वो खिलाड़ी हैं सारे, भाई ये आमिर खान बॉक्सर है, ये लोग आ रहे हैं मेरे पास, तो क्या करेगा वो उससे, वो वैल्यू जो उसको वो देखेगा कि यार मैं कस्टमर को वैल्यू क्या दे रहा हूँ। मेरी हर गाड़ी जो है वो टॉप मिनिमम गाड़ी भी मेरी 2 मिलियन की होती है, तो उस हिसाब से गाड़ी बेचेगा। तो क्या होगा, वो वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग होती है। तो आपने वैल्यू देखी कस्टमर को क्या दे रहे हैं, और उसकी बेसिस पे आपने प्राइस फिक्स कर दी है। गाड़ी जो है इतनी ही की होगी, उससे कम की नहीं होगी। तो ये आपने एक और स्ट्रैटेजी अपना दी। तो पहला क्या था, कॉस्ट की बेसिस पे आपने किया कि यार मुझे बनाने में कितनी कॉस्ट पड़ती है। ये अमूमन छोटी कंपनीज पे होता है, जैसे तुम्हारे जो वेंडर होते हैं कि जो बोतलें बना रहे हैं, मोजे बना रहे हैं, जूते बना रहे हैं, ये इस तरह की कंपनीज ये करती हैं। लेकिन वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग किसमें होती है, ये होती है समझो जिन चीजों में परसेप्शन और ब्रांडिंग ज्यादा होती है। तुम्हारा पिज्जा प्लेस हो गया कोई, जैसे अगर डोमिनो से आप पिज्जा लें तो 8.99 का मीडियम देंगे, लेकिन अगर आप समझे कहीं और जाते हैं कुछ छोटे से पिज्जा प्लेस में जहां पे आपको ब्रांड करना फर्क नहीं पड़ता, पिज्जा 363 जो कोई ऐसा ही नाम है, कोई फॉरेन ब्रांड नहीं है कुछ नहीं, वो कॉस्ट प्लस मार्कअप कर रहे होते हैं। वो कहते हैं यार हमें पिज्जा बनाने में 300 रुपए लगते हैं, 60 रुपए भी प्रॉफिट मिल गया, अच्छा है चल जाएगा काम उस पर, तो 360 रुपए में पिज्जा दे रहे हैं। डोमिनोज कभी नहीं देगा 360 में, वो ज्यादा से ज्यादा कोई डिस्काउंट दे देगा या कुछ करेगा कभी कभी, मगर क्या है वो वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग, क्योंकि दुनिया में वो उतना चार्ज करता है 8.99 या 1 $5 $6 जो भी चार्ज करे उतना ही यहाँ पे भी चार्ज करेगा, तो वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग करेगा। तीसरी होती है वॉल्यूम बेस्ड प्राइसिंग। वॉल्यूम प्राइसिंग क्या होती है, मास प्रोडक्शन जहां हो रही होती है। आप ये देखते हैं यार मुझे बनाना है, समझे चिप्स की दुकान है या चिप्स आप बनाते हैं, तो आपको ये देखते हैं कि यार मैं बना रहा हूं 10,000 चिप्स के पैकेट, अब उसमें कितने आलू पड़े, कितना वो हुआ, बेस्ड ऑन दैट वॉल्यूम आप क्या करते हैं डिस्काउंटेड प्राइसिंग अपनी रख लेते हैं कि यार अगर मार्केट में समझे चिप्स मिल भी रहे हैं 10 रुपए के, मैं क्योंकि इतने वॉल्यूम के ऊपर खेल रहा हूं तो मैं कम कीमत पे काम कर सकता हूं। इसकी मिसाल आप सब्जी मंडी के हिसाब से ले लें कि सब्जी मंडी में क्या हो रहा होता है, क्योंकि वो लोग टनों में हिसाब कर रहे होते हैं कि जी ट्रक आता है जिसके अंदर 20 टन जो है उसके अंदर टमाटर होते हैं, तो वो वॉल्यूम के ऊपर खेल रहे होते हैं, तो उनकी प्राइस वो नहीं होती जो मार्केट में मिल रही होती है कॉस्ट प्लस मार्कअप, या वो ये देख रहे हैं यार मैं इतना वॉल्यूम में खरीद रहा हूँ तो उसको रेट डिफरेंट मिलेगा, वो ये कह गए यार कॉस्ट और उस पर थोड़ा सा जो है, तो वॉल्यूम बेस्ड प्राइसिंग में क्या हो रहा होता है, यू लुक एट कितनी क्वांटिटी आप खरीद रहे हैं। आप क्या करेंगे समझिए, आप अगर 20 टन ले रहे हैं या आप 20 किलो ले रहे हैं, उनका वो उस हिसाब से वो खरीद रहे होते हैं चीजें, तो उनके रेट अलग अलग सेट होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। तो उसमें क्या होता है, इफ यू लुक एट सर्टेन वेबसाइट या सर्टेन प्रोडक्ट्स जहां पे मास बाइंग होती है, अगर आप अली बाबा पे जाएं जो कि अली एक्सप्रेस के पहले वाला वर्जन था जहां पे ये होलसेल में चीजें बेचते थे, तो वहां रेट सेट हुए हुए होते थे कि अगर आपको एक स्क्रीन चाहिए, समझे आप एलईडी स्क्रीन खरीदना चाहते हैं चाइना से, एक स्क्रीन को लेंगे $30, अगर आप उनसे 500 स्क्रीन लेंगे तो वो आपसे लेंगे $22, और अगर आप 1,000 स्क्रीन उनसे ऑर्डर प्लेस करें तो वो $18 में भी आपको दे देंगे, क्योंकि वो वॉल्यूम बेस्ड प्राइसिंग है कि कितनी वॉल्यूम में आप उनसे खरीद रहे हैं उस हिसाब से आपसे रेट सेट करेंगे, और वो आपको फिक्स रेट वो सेट किया हुआ होता है उन्होंने कि हम इतना चार्ज करेंगे बेस्ड ऑन द वॉल्यूम दैट यूर ऑर्डरिंग। तो ये हो गया आपकी 3 टाइप्स ऑफ फिक्स बेस्ड प्राइसिंग। जो डायनामिक प्राइसिंग होती है, डायनामिक मीन्स चेंजिंग, तो निगोशिएशन होती है, कुछ कंपनीज होती है जैसे सॉफ्टवेयर हाउसेस क्या करते हैं, कहते हैं आप हमें पहले स्पेक्स अपने दे दो फिर हम तुम्हें बताएंगे कि क्या उसका वो रेट होगा, तो आप निगोशिएट करते हैं। तो सॉफ्टवेयर हाउसेस
सर्टेन प्रोडक्ट जहाँ पे वो होता है कि आपकी डिमांड के ऊपर होता है कि यार मुझे क्या यूनिक प्रोडक्ट बनानी है कोई, तो आप नेगोशिएशन कर रहे होते हैं कि आप हमें कॉल करें, हम आपको बताएंगे क्या रेट होगा। अगर आपको सोलर पैनल लगवाने हैं तो वो आपसे निगोशिएट करेंगे, वो आपसे कहेंगे कि मल्टीपल रेट में आपको क्या चाहिए, आपको कितने पैनल चाहिए, कितनी बैटरी चाहिए, कितना इन्वर्टर चाहिए, उस हिसाब से वो आपका रेट सेट करते हैं। तो कुछ कंपनीज क्या होती है, प्राइसिंग सेट करती है निगोशिएशन के ऊपर कि आप हमें अपनी डिमांड्स बताएं और उस बेसिस पे हम कॉस्ट करेंगे। तो इफ यू आर प्लानिंग ऑन सेटिंग अप अ सॉफ्टवेयर हाउस, तो जो आपकी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी होगी उसको डायनामिक होनी पड़ेगी, मगर उसके साथ साथ आप और रेवेन्यू स्ट्रीम्स भी आपको ढूंढनी पड़ेंगी कि आप पैसे कैसे कमा रहे होंगे, हाउ आर यू मेकिंग मनी। तो निगोशिएशन इज वन वे ऑफ सेटिंग प्राइसेस कि आप हर कस्टमर के साथ, मसला इसके साथ क्या होता है, हर कस्टमर पे तुम्हें टाइम स्पेंड करना है। हर बंदा जो है वो नहीं मैं 20 नहीं दूंगा, मैं 10 दूंगा, अब आप कहेंगे नहीं यार 15 तो मुझे कॉस्ट पड़ रही है, 17 तो करो, बहुत वक्त जाया होता है इन सब चीजों में। क्यों? क्योंकि हर कस्टमर की यूनिक नीड है, हर कस्टमर की डिमांड अलग है, आपको उस पर टाइम स्पेंड करना पड़ता है। दूसरा क्या होता है, यील्ड मैनेजमेंट। यील्ड मैनेजमेंट हो रहा होता है कि यूर वर्किंग, जैसे म्यूचुअल फंड्स होते हैं, जो होता है कि आपके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं जिनकी डिफरेंट उस पर वो ऑपरेट कर रहा है, तो यूर चेकिंग आउट द यील्ड के कौन सा मार्केट, मतलब कौन सा प्रोडक्ट जो है, कौन सा वो है, कितनी डिमांड हो रही है उसकी, किस टाइम पे, उस हिसाब से आप करते हैं। अब जैसे उसकी आप देखें, ये वैसे यहाँ तो वो कहलाती है प्राइस, वो होती है प्रॉफिटियरिंग कहलाती है, जो अभी इन्होंने किया है सैनिटाइजर वालों ने और मास्क वालों ने, कि यार 10 रुपए की चीज जो है 200 रुपए की बेच रहे हैं। लेकिन अमूमन कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं कि जो उसकी बेसिस पे होता है कि कितनी उसकी डिमांड आ रही है। अब फर्टिलाइजर जो है वो जिन टाइम्स पे उसको ज्यादा जरूरत हो रही होती है, मतलब उनके मार्केट में अचानक डिमांड हो रही होती है, तो वो अपनी रेट कम कर देती है क्योंकि कॉम्पिटिशन चल रहा होता है। और फिर कुछ होता है कि जब साल के आप निकल आते हो उसमें से, जो उनका हाई वाला पीरियड होता है, हाई डिमांड वाला, वो फिर अपना रेट दोबारा बढ़ा देते हैं थोड़ा सा, तो वो क्या होता है, वो फ्लक्चुएटिंग प्राइस होती है कि डिपेंडिंग। पेट्रोल, आप इसकी सबसे अच्छी एग्जाम्पल है पेट्रोल की, कि पेट्रोल जो है वो चेंज होती रहती है प्राइस मार्केट के हिसाब से, तो क्या है वो यील्ड को मैनेज कर रहे होते हैं। इसी तरह रियल टाइम मार्केट्स होती हैं कि जो मार्केट के अंदर डिमांड और सप्लाई का होता है, आप उस हिसाब से प्राइस सेट करें अपने प्रोडक्ट की, कि जो है उसमें ये बस ये थिन लाइन होती है कि ये कहीं इलीगल ना हो जाए कि आप प्रॉफिटियरिंग करेंगे, या जब मार्केट में चीजें लोगों को चाहिए आपने उसके रेट बढ़ा दिए, और जब नहीं चाहिए। लेकिन ये क्या होता है कि रियल टाइम मार्केट्स में होता है कि आप मार्केट के ऊपर चल रहे होते हैं, तो ये आपका कॉटन और ये सब चीजें जो होती हैं, ये इनकी एक्सचेंज मार्केट होती है, उसकी बेसिस पे वो आप कर रहे होते हैं। तो यील्ड मैनेजमेंट और रियल टाइम काफी सिमिलर है। यील्ड मैनेजमेंट में ये हो रहा है क्योंकि देर बोथ ओवरलैप, क्योंकि मोस्ट हाई यील्ड आइटम्स आर सोल्ड इन द रियल टाइम इन द स्टॉक मार्केट एंड कमोडिटी मार्केट। सोना हो गया, वो रियल टाइम मार्केट के अंदर उसका रेट सेट हो रहा होता है, डिमांड आ रही है जा रही है जो भी है। यील्ड का भी यही होता है कि आपकी जो मार्केट में कितनी यील्ड आपने उसकी वो की हुई है, कि जितनी क्वांटिटी होती है उसके हिसाब से आप जो इसको वो कर रहे होते हैं निगोशिएट, और वो ओवर टाइम के यील्ड आपके उसकी बेसिस पे आपकी प्राइस सेट हो रही होती है। जो चौथी कैटेगरी है प्राइसेस की, वो ऑक्शंस कहलाती है। अब ऑक्शंस क्या होता है, अगर आप कभी सदर जाएं या वहां जाएं, तो वहां लोग क्या होते हैं कि वो स्पीकर बेच रहे होंगे, शुरू करेंगे 200 रुपए से, और लोग उसमें बोली लगा रहे होते हैं। क्या हो रहा होता है कि ऑक्शन के अंदर जाके कस्टमर्स आपस में कम्पीट कर रहे होते हैं कि हम कितना देने को तैयार है, कि एक आइटम रखा होगा और उसमें लोग बोली लगा रहे होते हैं कि 200 रुपए की चीज 4,000 में बिकेगी। क्यों? क्योंकि लोग आपस में मुकाबला कर रहे हैं कि यार कौन किसको वो चीज ज्यादा चाहिए। मैं 200 कहूंगा, कोई और कहेगा 300, फिर कोई 500, 800, 1,000, 1,200, वो उसको ऑक्शन कर रहे होते हैं। तो इफ यू आर सेलिंग अ प्रोडक्ट, इसकी मिसाल आप देखें, अगर आप कभी उस पे जाएं वेबसाइट पे, क्या नाम है उसका, ईबे पे बोलियां लग रही होती हैं, कोई आदमी है जिसके पास समझे कोई सप्लाई है कि वो कंप्यूटर बेच रहा है, गेमिंग कंप्यूटर, वो उसको स्टार्ट कर देगा कि यार ये मैं $700 में बेच रहा हूँ। अब आप इसमें देखें कि जो जितना देने को तैयार है इस कंप्यूटर के लिए, मैं उस रेट पे जब क्लोज होगी मार्केट मैं उस पर बेच दूंगा। तो क्या हो रहा होता है, लोग उस पर बोलियां लगा रहे होते हैं कि यार मुझे गेमिंग लैपटॉप चाहिए, 800 रुपए से स्टार्ट हुआ, मैंने 820 पे अपनी किस्मत ट्राई कर ली, हो सकता है मुझे यार 2,000 का लैपटॉप जो है, $2,000 का 820 में मिल जाए, मैंने 820 डाल दी, कोई आदमी आया उसने 840 डाली, किसी ने 900 डाल दी, क्योंकि अभी भी हम 2,000 से कम है। होता क्या है, इवेंचुअली वो उसी रेट के करीब कहीं जाकर पहुंचता है अगर कोई मार्केट प्लेस बड़ी है। अगर कोई छोटी सी मार्केट प्लेस है जहां पे इतने ऑप्शन करने वाले नहीं है, तो आपको हो सकता है डील मिल जाए। तो आपको ये देखना होता है यार लोग कितने आ रहे हैं ऑप्शन में। लेकिन ये एक प्राइस का स्ट्रैटेजी होती है कि आप एक मिनिमम प्राइस सेट करके लोगों से कहते हैं आप इसको देने के लिए कितना तैयार हैं, और लोग आपस में मुकाबला करके आपका प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो ये ऑप्शन कहलाता है। ये है तीन इधर और चार इधर, सेवन स्टाइल्स ऑफ प्राइसिंग। आप जो अपना बिजनेस बनाएंगे आपको देखना है यार मैं कौन सी वाली टेक्निक यूज कर रहा हूं, मैं क्या रियल टाइम मार्केट पे रिलाई कर रहा हूं, मैं निगोशिएट कर रहा हूं,
ऑप्शन करूंगा कॉस्ट प्लस मार्कअप के, भाई मुझे सॉफ्टवेयर बनाने में इतनी कॉस्ट पड़ेगी उस पर मैं 10% प्रॉफिट ऐड करूंगा, किस तरह से आप अपनी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी सेट करेंगे? तो आपको इनमें से प्राइसिंग स्ट्रैटेजी पिक करनी पड़ेगी, कौन सी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी आप यूज कर रहे हैं। अब इसमें हम बात करते हैं कि कॉमन स्टार्टअप मिस्टेक्स, कि जो आप लोगों के स्टार्टअप्स होंगे वो होगा उसमें मिस्टेक्स किस तरह की ज्यादातर कंपनीज करती हैं, कि लेट्स प्राइस ऑन कॉस्ट। ज्यादातर कंपनीज क्या करती हैं, कहती हैं यार अभी तो हमें कस्टमर चाहिए, तो हम देखते हैं यार हमें कॉस्ट क्या पड़ेगी, उसकी बेसिस पे मार्कअप सेट करेंगे। प्रॉब्लम इसमें क्या होता है, क्योंकि ये स्ट्रेटेजिक वो नहीं होता तरीका, टिपिकली नॉट अ स्ट्रेटेजिक वे टू प्राइस, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, आप कस्टमर को नहीं सोच रहे, आप अपने कॉस्ट को देख रहे हैं। क्योंकि आप लोग स्टार्टअप हैं, आप लोग कस्टमर को वैल्यू देने निकले, आपको ये देखना है यार मैं कितनी वैल्यू दे रहा हूँ कस्टमर को, ताकि आप उससे ज्यादा चार्ज कर सकें। आपको कोई यूनिक चीज ऐसी देनी है कस्टमर को, वरना अगर आप वही चीज लेके आ रहे हैं मार्केट में जिसके कोई वैल्यू नहीं है, तो उसका फायदा क्या, फिर आप आए क्यों मार्केट में पहली दफा? तो ये दैट मेक्स अ डिफरेंस। तो व्हाट यू वांट टू डू इज कि डू नॉट जस्ट लुक एट प्राइस बेस्ड ऑन कॉस्टिंग। कॉस्ट तो ये कि यार अगर आप वही अगेन अगर हम मिसाल लें कि जो सब्जी काटने वाला बिजनेस था, तो वो कॉस्ट तो आपको समझे 20 रुपए किलो पड़ रही है, तो आप 25 चार्ज करें, लेकिन आपको कस्टमर जब 50 देने के लिए तैयार है रुपए, तो आप क्यों इतने कम पे बेच रहे हैं? तो ये सोचें। तो हमेशा कॉमन स्टार्टअप में जो वो मिस्टेक हो रही होती है, वो अपनी इंटरनल इकोनॉमिक्स देख रहे होते हैं यार हमें क्या कॉस्ट पड़ रही है, हम क्या करें, बजाय इसके वो कस्टमर की सोच से देखें। आपको देखना आपका कस्टमर आपके लिए कितने पैसे देने को तैयार है। दूसरी मिस्टेक क्या होती है कि यू प्राइस बेस्ड, वो कह रहे थे सॉरी, व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू प्राइस बेस्ड ऑन द वैल्यू, जो मैंने बात की थी कि बेस्ड ऑन द बायर्स परसेप्शन ऑफ द वैल्यू, कस्टमर्स डोंट नेसेसरी फील दैट दे वांट टू पे दिस वे। आपको क्या करना है कि यू हैव टू सेट द प्राइस बेस्ड ऑन कस्टमर को आपको एजुकेट करना है, देखो मैं जो तुम्हें चीज दे रहा हूँ वो बेहतर है मार्केट से, जो मैं लेके आया हूँ ऑल्टरनेटिव, यू डू नॉट हैव दिस एंड यू वॉन्टेड दिस। जो अर्ली इवेंजलिस्ट है वो टेस्टिफाई करेंगे, कहेंगे हाँ बिल्कुल आपने सही आइडिया लिया था और यही हमें चाहिए था, उस बेसिस पे आप उनसे ज्यादा पैसे ले सकते हैं। तो ये आपको देखना है कि बेस योर प्राइसिंग ऑन वैल्यू नॉट ऑन कॉस्ट। इसके अंदर क्या है, मार्केट टाइप जो है वो इफेक्ट करती हैं आपकी किस तरह की प्राइसिंग होगी। तो इसमें होता है नेचर ऑफ एग्जिस्टिंग मार्केट्स, अगर समझे आपकी प्योर कॉम्पिटिशन है जिसके अंदर बहुत सारे ब्रांड्स हैं, तो आप किस तरह प्राइसिंग करेंगे? अब आपके पास जब इतने कॉम्पिटिशन है, अगर आप सॉफ्ट ड्रिंक की मार्केट में घुसते हैं, आप मुकाबला करें कोक से, पेप्सी से, गोरमे से, सोडा नेक्स से, हर किसी से आपको मुकाबला करना है, आपके पास ज्यादा रूम ही नहीं है प्राइसिंग का। अगर समझे सब 40 रुपए की बेच रहे हैं, आप टहलते हुए आगे कि मैं 80 रुपए चार्ज करूंगा, कोई नहीं आपको ट्राई करेगा, क्योंकि वो यही कहेगा यार इसका फायदा क्या है। मगर अगर आपके पास कोई डिफरेंट मार्केट है, अगर आप मिसाल लें मरी ब्रूअरी की, तो मरी ब्रूअरी मॉल्ट बेचता है जो दूसरे नहीं बेच रहे कोई भी, तो वो ज्यादा चार्ज करता है मॉल्ट के, क्यों? क्योंकि कोई और है ही नहीं मार्केट में, तो वो क्या है, वो कॉम्पिटिशन में तो घुसा ड्रिंक्स ड्रिंक्स के लिए, लेकिन उसने नया प्रोडक्ट बना दिया वैल्यू एडिशन की, उसने मॉल्ट बना के वो बेचता है, जो उनके वो वाले सोडा होते हैं मरी ब्रूअरी के जो एप्पल सिड्रा और ये सब जो ड्रिंक्स होते हैं एप्पल सिड्रा वगैरह, वो जो है वो उसी प्राइस पे बेच रहे हैं जो पेप्सी और कोक बेच रहे हैं। ये अपने मॉल्ट को ज्यादा महंगा बेच रहे हैं, 130 रुपए का, 140 रुपए का बेच रहे हैं। तो क्या है कि कॉम्पिटिशन मार्केट में आप एंटर होते हैं तो प्राइसिंग चेंज हो जाती है आपकी। अगर आप मोनोपोली में ऑपरेट करें, मोनोपोली क्या होती है, एक आप वाहिद है मार्केट में, यूर ओनली वन कंपनी, देर इज नो अदर कंपनी, तो आप क्या सेट करते हैं, आपके पास क्योंकि कोई और कॉम्पिटिशन नहीं, जो मर्जी आए प्राइस सेट करो। अगर तुम्हें कोई ऐसी मार्केट मिल जाती है जिसके अंदर कोई कॉम्पिटिशन है ही नहीं, तुम एक चीज ऐसी बना लेते हो कि आप बना लेती हैं जिसके अंदर कोई वो नहीं है कॉम्पिटिशन, तो आप क्या करेंगे, आपको जो मर्जी आएगी आप चार्ज करें, क्योंकि कस्टमर की डिमांड है और कोई कॉम्पिटिशन नहीं है। तो मोनोपोली के अंदर आपकी प्राइसिंग क्या होगी, जो आप सेट करना चाहें, जो आपको लगता है कि कस्टमर देने के लिए तैयार होगा, आप उतना उससे चार्ज करें। तीसरी कौन सी मार्केट टाइप होती है, ओलिगोपली। ओलिगोपली होती है कि चार या उससे कम कंपनीज जो है वो मार्केट में ऑपरेट कर रही हो, कि समझे आप जैसे उसमें देखें मोबाइल ऑपरेटर्स हैं हमारे, उनमें मुकाबला क्या है, टेलीनोर, जैज, वारिस आई थिंक और जोंग, चार कंपनीज हैं सिर्फ जो उसमें ऑपरेट कर रही है। तो वो जो प्राइस सेट करेंगी वो अपने कॉम्पिटिशन को देख के सेट करती हैं, वो ये कर रही होती हैं कि वो उसके अंदर ज्यादा ऊपर नीचे नहीं कर सकती, लेकिन क्या होता है वो मार्केट स्प्लिट कर देते हैं, वो ये देखते हैं यार टेलीनोर की रेंज कहाँ पे ज्यादा अच्छी है, जोंग की कहाँ पे बेहतर है, यूफोन कहाँ ज्यादा चल रहा है, वो इस तरह से वो खेलते हैं, वो मार्केट को स्प्लिट कर देते हैं, देखते हैं कि यार कहाँ पे वो स्ट्रॉन्ग होल्ड अपना बना सकते हैं कि जियोग्राफिकली और उसमें, ताकि वो वहां पे अपना प्रोडक्ट ज्यादा बेचें, वो फोकस करेंगे कि शहरों में या रूरल एरिया में कहाँ पे यूजेज ज्यादा है, वहां अपने बिजनेस को ज्यादा बढ़ाएं। तो अगर आप नॉर्दर्न एरियाज में जाएं तो आपको हर जगह यूफोन के एड नजर आते हैं, यूफोन और टेलीनोर वहां ज्यादा दिखता है बजाय इसके जोंग और दूसरे ब्रांड के। तो क्या हो रहा होता है, उन्होंने उन मार्केट्स में इन्वेस्ट किया हुआ है। तो ओलिगोपोली में क्या होता है, आपको प्राइसिंग अपनी देखनी पड़ेगी कि किस रीजन में आप मार्केट कर रहे हैं,
किस मार्केट सेगमेंट को आपने केटर किया जो आपके पास आ रहा है, उस हिसाब से आप प्राइस सेट करेंगे। तो ये हो गया नेचर ऑफ एग्जिस्टिंग मार्केट, उसके बेसिस पे आप प्राइस सेट करेंगे। आपको जब कॉम्पिटिशन अपना देख रहे होंगे यूनिक प्रोपोजिशन में, जो यूनिक वैल्यू आप सेट करें, आपको बताना होगा आपके कॉम्पिटिशन में कौन है, तो उस बेसिस के ऊपर आपकी फिर आगे जाके प्राइसिंग सेट होगी। हाउ दे विल रिएक्ट, जो आपने मार्केट सेट की हुई है आप उसके अंदर देखेंगे कि जी व्हाट इज द कॉम्पिटिशन प्रोडक्ट, व्हाट आर देयर कॉस्ट एंड प्राइसेस, व्हाट प्राइसिंग विल मेक देम फील द वर्स्ट। कि कस्टमर को आपको ये देखना है कि कस्टमर को जो है या उसके कॉम्पिटिशन का कौन सी मैं प्राइसिंग सेट करूंगा जिससे कस्टमर से मैं जो मार्केट के अंदर ये मैं रिस्पॉन्स फील कराऊंगा। तो कुछ कंपनीज हैं जिनकी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी बहुत अग्रेसिव होती है, उससे ये होता है कि दूसरी कंपनीज को कैचअप करना पड़ता है उनसे, क्योंकि उनके पास क्या होता है, जैसे वाइटल टी है जो पाकिस्तानी ब्रांड है चाय बेचते हैं, टपाल और लिप्टन के मुकाबले में वाइटल ज्यादा इकोनॉमिकल है, तो उनकी प्राइसिंग की वजह से टपाल और लिप्टन वाले चीखे मारे कि यार हम कैसे उनको मीट करें कि हम उतने ही क्वालिटी की प्रोडक्ट दें और क्या कहते हैं उतने कम कीमत में उस प्राइस रेंज में। तो क्या होता है कि इस वजह से वो व्हाट प्राइसिंग विल मेक देम फील द वर्स्ट, ये जो प्राइसिंग सेट कर रही है वाइटल उसे टपाल और लिप्टन को नहीं अच्छा लग रहा, दैट मेक्स देम फील बैड कि यार उनको लग रहा होता है कि हम ज्यादा चार्ज करें कस्टमर से और हम क्या करें, कस्टमर जो है उनके पास जा रहा है सारा। तो ये सब चीजें आपको देखनी होती है कि व्हाट इज द कॉम्पिटिशन प्रोडक्ट, व्हाट आर देयर कॉस्ट एंड प्राइसेस, आपको रिसर्च करनी पड़ती है वो कितना चार्ज कर रहे हैं, कि कितने का उनको काम पड़ रहा है, और उसी बेसिस पे कौन सी मैं प्राइस ऐसी सेट करूं जिससे मेरा भी मुनाफा हो, मैं प्रॉफिटेबल हूं और उनकी तबियत खराब हो जाए। आप देखें एयरलिफ्ट और स्विवल जब दोनों आए थे मार्केट में तो दोनों ने क्या किया था, क्योंकि कॉम्पिटिशन में आ गए थे, उन दोनों ने प्राइसेस गिरा दी थी 40-40 रुपए 20-20 रुपए में लोगों को ले जा रहे थे, क्यों, ताकि दूसरे की तबियत वो बुरी करें। तो दैट वॉज वॉट दे वर ट्राइंग टू डू, गेट मोर कस्टमर्स ऑन टू देयर प्लेटफॉर्म, और वो वाली बात थी कि उससे ये था कि दूसरे को तकलीफ पहुंचाना है कस्टमर को वो। तो मार्केट टाइप जो है आपकी, कि कौन सी मार्केट में आप ऑपरेट करें, वो आपकी प्राइसिंग पर बहुत इफेक्ट प्ले करता है जो आप डिसाइड करेंगे। सेकेंडली क्या है, सिंगल मल्टी साइडेड मार्केट। सिंगल साइडेड मार्केट क्या होती है, दे ओनली केयर अबाउट रेवेन्यूज, वो ये देख रही होती है यार सिर्फ प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट, पैसा चाहिए मुझे, दैट्स इट। तो उसमें क्या होता है, ज्यादातर सेठिया कंपनीज वगैरह वो क्या कर रही होती है, उनको ये होता है यार सस्ती चीज बनाओ जैसी भी बनाओ, बस रेवेन्यू आना चाहिए, पैसा, दैट्स इट। मल्टी साइडेड मार्केट क्या करती है, उसमें ये होता है कि आप मल्टीपल चीजें देख रहे होते हैं, आप देखते हैं कि जी कस्टमर की क्या एक्सपीरियंस है, रेवेन्यूज जो है वो सेकंड आते हैं। अब आप अगर देखें कोलाची फॉर एग्जांपल, तो उसके अंदर जो प्रॉफिट है वो कमा ही रहे होंगे, नो डाउट वो पैसा कमा रहे हैं, लेकिन कस्टमर सर्विस उनको बहुत उसकी इंपॉर्टेंस है, तो दे फोकस अलॉट ऑन इंश्योरिंग कस्टमर सर्विस इज टॉप मोस्ट। तो यूजर्स फर्स्ट रख के आप अपनी रेवेन्यूज को सेकंड बनाते हैं, और उससे फायदा क्या होता है, आपकी रेवेन्यूज भी बढ़ती हैं, जब कस्टमर सेटिस्फाइड होता है वो बार बार आएगा आपके पास। हमने फनल देखा था तो वो क्या था, कस्टमर्स जो है आपके पास बार बार आएंगे, दे विल बी सेटिस्फाइड, दे विल स्पेंड मोर मनी ऑन यू। तो यू हैव टू फोकस ऑन मल्टी साइडेड मार्केट, कि आप कैसे फोकस करें कि आप कस्टमर को एक अच्छा एक्सपीरियंस दे रहे हैं ताकि वो आपसे ज्यादा पैसे खर्च करें। तो यूजर फर्स्ट कंपनीज क्या करती हैं, जो अभी हमने बात की कि जो फोकस करती हैं कस्टमर्स के ऊपर, इफ यू से योर बिजनेस इज एडवर्टाइजिंग बेस्ड ऑन हाउ डू यू गेट टू 10 मिलियन मंथली यूजर्स, हाउ डू यू बिकम वन ऑफ द टॉप 5 वेबसाइट्स विजिटेड, हाउ मच डू द पेयर्स एक्चुअली पे, ये एंड में जाके सवाल आ रहा है, जो पैसे देने वाले लोग हैं वो कब दे रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपका फोकस क्या है, आप चाह रहे मैक्सिमम कंपनीज आपकी कस्टमर्स आपकी वेबसाइट पे आ जाए। तो जो बायबल स्टार्टअप्स होते हैं जिनकी हमने बात की थी क्लास में, वो इसी पे ही ज्यादा फोकस कर रही थी, यूजर्स फर्स्ट, वो क्या चाह रही होती है कि कस्टमर एक्सपीरियंस पे फोकस करें, मैक्सिमम नंबर ऑफ कस्टमर्स उनके पास आए, आपकी वेबसाइट जो है टॉप 5 टॉप 10 में आ जाए, कि लोग आपके पास आ रहे हैं इन्फॉर्मेशन लेने चीजें खरीदने, जब वो होने लगता है तब आप उनसे फिर पैसों की बात कर सकते हैं, हाउ मच डू द पेयर्स एक्चुअली पे, और आप उनसे क्या चार्ज कर सकते हैं। अगर आपको समझे ऐसे कस्टमर्स मिलते हैं जो कभी पैसे ही नहीं खर्च करते, और आपके कॉम्पिटिशन को भी ये पता है, वो आपको काम करने देगा, वो कहेगा यार अच्छा ये बिजनेस में पड़े रहे कि खुद ही मर जाएंगे थोड़े अरसे में। तो एज अ ब्रांड यू वॉन्ट टू मेक श्योर यूर ब्रिंगिंग इन एनफ पीपल हु आर विलिंग टू पे। नेटफ्लिक्स का फायदा क्या था कि भाई चलो फ्री में तो वो शुरू में दे रहे थे, लेकिन उनके पास सारे पेइंग कस्टमर्स हैं, तो जो उनके ऊपर आते हैं प्लेटफॉर्म पे, दे आर पेइंग $10 पर मंथ। तो अगर दुनिया भर में नेटफ्लिक्स के समझो 20 मिलियन यूजर भी हैं, तो 20 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय $10 भी अगर आप लगाते हैं, जो कि अब नहीं है $13 है, और मल्टीपल उनके रेवेन्यू मॉडल्स हैं, तो सिर्फ एक जो कस्टमर्स हैं उनके ऊपर से वो कमा लेते हैं तकरीबन कितना $200 मिलियन। तो $200 मिलियन उनको सिर्फ मिल रहे हैं कस्टमर्स के उससे सब्सक्रिप्शन से, फिर वो और उससे कमा रहे हैं कि उनके वो टीवी शोज वो आगे बेचते हैं, मूवीज बना रहे हैं उससे बेच के कमा रहे हैं, उन्होंने रेवेन्यू स्ट्रीम अपनी डिवाइड की है, उनके मल्टीपल जगह से पैसे आ रहे हैं, लेकिन सिर्फ एक जगह से जो कस्टमर वाली साइड है जिसपे इन्होंने फोकस किया था कि पहले कस्टमर्स लेके आओ,
उसकी बेसिस पे दे मेड कि दे कैन इजिली मेक 200 मिलियन डॉलर आराम से बगैर कुछ किए। तो ये आपका फायदा होता है यूजर फ्रेश कंपनीज में। रेवेन्यू फ्रेश कंपनीज क्या फोकस करी होती है, वो मंथली रेवेन्यूज और उस पर फोकस करी होती है। उनका ये होता है कि टारगेट सेट करते हैं कि जी मैं 100,000 डॉलर, मैं 1 लाख रुपए कैसे कमाऊंगा, मैं 1 मिलियन कैसे कमाऊंगा। मतलब आपको ये आप सेट कर रहे थे प्राइसिंग के ऊपर, कि आप ये देख रहे थे यार मैं कितना टाइम लगेगा मुझे पैसे कमाने में। तो ये ज्यादातर जो कंपनीज होती है जो मर्चेंडाइजिंग में काम कर रही होती है, वो कर रही थी, जिनके पास कोई यूनिक प्रोडक्ट नहीं होती, वो रेवेन्यू फर्स्ट पे ऑपरेट कर रही होती है। तो दे आर मेकिंग इन्वेस्टमेंट बेस्ड ऑन हाउ मच क्विकली कैन आई मेक द अमाउंट ऑफ मनी दैट आई एम टारगेटिंग। ठीक है, तो व्हाट अजम्पशंस अबाउट माय बिजनेस एम आई मेकिंग व्हेन आई रीच दीज माइलस्टोन्स। आपका सारा फोकस होता है पैसे के ऊपर, किस तरह मैं पैसे कमा रहा हूँ। आप उसके ऊपर अग्रेसिव प्राइसिंग रख सकते हैं, जो भी कर सकते हैं। चीज क्या होती है, ये रेवेन्यू पे ऑपरेट करते हैं। ज्यादातर कंपनीज इसमें सक्सेस नहीं हासिल कर पाती, क्योंकि क्या हो रहा होता है कि अनलेस आपके कोई मोनोपोली में नहीं है, कि कोई और कॉम्पिटिशन नहीं है, आप सिर्फ पैसे के ऊपर फोकस नहीं कर सकते। तो इसमें ये कि न्यू मार्केट रेवेन्यू फोरकास्ट क्या होती है कि शुरू, ये हमने पहले बात की हुई है इसके अंदर, के रेवेन्यू किस तरह जनरेट हो रही होती है। यू हैव पहले साल में सेल्स कम हो रही होती है, कि जब आप नया नया प्रोडक्ट लॉन्च करें मार्केट में, कि किसी और के पास नहीं है, तो पहले साल में आपने थोड़ा टेस्टिंग की, अर्ली वेंजलिस्ट आए गए, क्या हुआ ये इन्होंने टेस्टिंग कर दी, थोड़ी सी आपकी सेल्स बढ़ी, फिर गायब हो गई। और ओवर टाइम आप एजुकेट करते जा रहे हो, आपकी सेल्स बढ़ती रहती है, कि आप न्यू मार्केट में एंटर हुए हैं, न्यू मार्केट रेवेन्यू फोरकास्ट, दिस इज हाउ इट वर्क्स। हमने पिछली क्लास में जब मार्केट की बात कर रहे थे, ये डिस्कस किया हुआ है। एग्जिस्टिंग मार्केट के अंदर क्या होता है, क्योंकि आपके कस्टमर्स ऑलरेडी हैं, कंपेटिटर्स भी ऑलरेडी हैं, आपकी ग्रोथ होती रहती है ओवर ईयर, क्योंकि आपको किसी को एजुकेट नहीं करना पड़ा। अगर आप समझे कोई जूतों का ब्रांड लेके आए, लोगों को ऑलरेडी जूते पता है क्या है, वो क्या उनकी हुए, तो उसकी बेसिस पे वो आपको इन्वेस्ट करते रहेंगे। रीसेगमेंटेड मार्केट जो होती हैं, उनमें क्या हो रहा होता है कि रीसेगमेंटेड रेवेन्यू फोरकास्ट, कि आपका सेल्स बढ़ती है, फिर आपकी स्टैग्नेट होने लगती है, फिर आप क्या करते हैं, चेंज ले आते हैं मार्केट के अंदर। आप क्या कर रहे होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फोन ब्रांड्स होते हैं कि जो टेलीफोन बेच रहे हैं, वो यही कर रहे होते हैं कि जब उनका मॉडल पुराना होने लगता है और वो होता है, वो नया मॉडल लॉन्च कर देंगे, या प्रोडक्ट को अपना चेंज कर देंगे, पिवट करके कोई नया काम करने लगते हैं, तो और पैसे कमाने लगते हैं। तो इस तरह से आप अपनी रीसेगमेंट करते रहते हैं मार्केट को ओवर टाइम। वी नियरिंग द एंड। फाइनली उनमें क्या है कि आप अपना जब बिजनेस बना रहे होंगे, तो ये आपको बनाना पड़ेगा कि आपका रेवेन्यू स्ट्रीम क्या है, कि वो ड्रॉ द डायग्राम इन द सेंस ऑफ कि आपकी कंपनी क्या है, क्या आप सर्विस दे रहे हैं, किन कस्टमर सेगमेंट्स को, आप उनसे पैसे कैसे वापस ले रहे हैं। तो ये इन्होंने जैसे बनाया हुआ है कि अगर आपकी कंपनी है कि जो पानी बेचती है, तो आप मंथली वाटर बिल बेचते हैं, जो किराएदार है उसको वाटर बिल जो है वो क्या करता है, जो किराएदार है उसको पैसे में उसको बिल मिला है, किराएदार ने पैसे दिए प्रॉपर्टी ओनर को कि जी मैंने इतना बिल इस्तेमाल किया है, प्रॉपर्टी ओनर ने जो अपना पैसा उसमें ऐड किया, जो भी किया उसने जो है इनको आपको पैसे वापस दिए। आपने क्या किया, इंस्टॉल किया मीटर प्रॉपर्टी ओनर के नाम पे, उससे आप चार्ज करते हैं हर साल पे उस पर जो उसकी कंपनी उसकी होती है ऑपरेशनल, उसका इंस्टॉल किया मीटर, आपने उससे $2 पर मंथ चार्ज कर ली। इसलिए जब लीजिंग कंपनी को आप ऑफर कर रहे हैं या वो कर रहे हैं कि कोई बड़ी कंपनी है जो घर मैनेज करती है प्रॉपर्टीज, डॉलमन ग्रुप है जैसे, तो उनसे आप क्या कर रहे होते हैं, आप उनसे ज्यादा चार्ज कर रहे थे $9 पर मंथ, आपने सब्सक्रिप्शन फी सेट की हुई है, आप उससे वो चार्ज करें, उन्होंने क्या किया $200 एक दफा में आपको दे दिए, कि ताकि उसको डिस्काउंट उनको मिल जाए, कि इस तरह से मॉडल बनाए। तो आप जब अपना बिजनेस बना रहे होंगे, आपको बनाना होगा आपका बिजनेस क्या है, कौन कौन से कस्टमर सेगमेंट को आप टारगेट कर रहे हैं, आप उनको क्या सर्विसेज दे रहे होंगे, और वो आपको पैसे कितने दे रहे होंगे वापस। तो ये फिगर बनाना जरूरी है, प्लीज ड्रॉ दिस फिगर इन योर बिजनेस प्लान। तो ये समराइज कर रहा है कि की रेवेन्यू मॉडल क्वेश्चंस क्या थे, व्हाट आर माय कस्टमर्स पेइंग फॉर। आपको ये पता होना चाहिए आप कस्टमर्स को क्या चीज दे रहे हैं जिसकी बेसिस वो आपको पैसे दे रहे हैं, कि भाई वैल्यू की बात आती है, वैल्यू क्या है, व्हाट कैपेसिटी डू माय कस्टमर्स हैव टू पे, वो कितना देने को, कितनी उनकी ताकत है देने की पैसे की, उनकी कुव्वत खरीद क्या है, हाउ विल यू पैकेज योर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट जो आप उनको दे रहे हैं वो किस तरह से दे रहे होंगे, कि उसकी प्रेजेंटेशन क्या होगी। ये आपका बिजनेस प्लान के अंदर शामिल होता है, कि आप कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, क्या करें, ऑनलाइन परचेस करेंगे वैसे करेंगे, क्या सब्सक्रिप्शन कार्ड मिलेगा, किस तरह वो ऑपरेट करेगा, हाउ विल यू प्राइस दी ऑफरिंग, आपकी प्राइसिंग क्या होगी बेस्ड ऑन द 7 स्ट्रेटजीज वी टॉक्ड अबाउट, और हाउ मेनी विल यू सेल, कितना आपका बेचने का इरादा है। तो आप उसकी बेसिस पे देखें कि यार मार्केट साइज कितनी बड़ी है, पाकिस्तान जो है तकरीबन 250 मिलियन लोग हैं इस मुल्क में,
अब उसके अंदर ये कि शहरों में आबादी कितनी है, रूरल में कितनी आबादी है, आप गांव देहात में जाके बेच रहे हैं। अब सुपर बिस्किट जो है उसने शहरों में तो बेच ही रहा है, लेकिन वो सही मायनों में पैसे कमा रहा है रूरल एरिया में। रूरल मार्केट में आप जाए तो सुपर और उसके जैसे कॉपी के बहुत ब्रांड है, सुपर भी है, डुपर भी है, कपर भी है, हर हर तरह के ब्रांड है। लेकिन क्या है, वो सुपर का जो टेस्ट है और जो क्वालिटी है वो कस्टमर्स को अच्छा लगता है गांव देहात में। तो क्या है, मार्केट साइज उनकी गांव देहात की बड़ी है, वो वहां से ज्यादा कमा रहे हैं, और मार्केट शेयर उनका बहुत बड़ा है गांव देहात में। शहर में उनका मार्केट शेयर छोटा है। तो क्या होता है, मार्केट साइज होता है कितने लोगों का आपकी बड़ी पॉपुलेशन है, मार्केट शेयर है उस पॉपुलेशन में से आपको कितने लोग खरीद रहे हैं। आपको ये देखना है कि जो आप चीज बनाने जा रहे हैं, जो आपका बिजनेस है, कितनी बड़ी मार्केट अवेलेबल है। अगर आप समझे कॉलेज या यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को टारगेट करें, आप जाके नंबर देखें यार, कितने स्टूडेंट्स हैं पाकिस्तान में जो कॉलेज यूनिवर्सिटी जाने वाली उम्र के हैं, उनमें से कितने हैं जो इतना पैसा देने को तैयार हैं कि मैं जी टॉप यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर रहा हूँ, कि कीट को, आईवीए को, जैबिस को, लम्स को, इन सबको टारगेट कर रहा हूँ, तो उनके कितने स्टूडेंट्स होंगे और कितने होंगे जो पूरे उसमें मार्केट में अवेलेबल है। हाउ मेनी कैन योर चैनल सेल, कितना प्रोडक्ट आप चैनल को बेच सकते हैं, हाउ मच विल द चैनल कॉस्ट। ये चैनल की बात आ रही है दोबारा, कि चैनल के ऊपर आप कितना पुश कर सकते हैं अपना प्रोडक्ट, हाउ मच विल द चैनल कॉस्ट। चैनल के ऊपर आप जाएंगे तो अगर आप समझे टीवी एड ये वो लेना चाह रहे हैं, रेडियो पे एड देना चाह रहे हैं, आप सोचते हैं कि यार मैं ऑनलाइन बेचूंगा, ऑनलाइन बेचने में आपको कितना वो कॉस्ट पड़ेगी, तो ये सब चीजें आपको देखनी पड़ती हैं कि कॉस्टिंग के अंदर, ये हम बाद में बात करेंगे कॉस्टिंग कैसे होती है। हाउ मेनी कस्टमर एक्टिवेशन, कितनी दफा आपको कस्टमर से एंगेज करना पड़ेगा कि उसको जो है मोटिवेट करने के लिए वो आपकी चीजें इस्तेमाल करें, और हाउ मच विल इट कॉस्ट टू अक्वायर अ कस्टमर। ये हमने बात की थी कि कस्टमर अक्वायर करना ज्यादा महंगा होता है, कस्टमर रिटेन करना आसान होता है। तो आपको ये देखना है कि आपकी कॉस्ट एक्विजिशन जो है कस्टमर की वो कितनी पड़ रही है। तो अगर ये चीजें आप आंसर कर देते हैं तो आपका बिजनेस प्लान इज ऑलरेडी इन अ गुड प्लेस, क्योंकि आपके पास यू कवर्ड अप कि यार मैं पैसे कैसे कमा रहा हूँ। और जितने इन्वेस्टर होते हैं मार्केट में वो सिर्फ ये देख रहे होते हैं कि आपने कितने पैसे कमा चुके हैं और कितने कमाने जा रहे हैं फ्यूचर में। अगर आप ये नहीं साबित कर सकते कि आप पैसे कमा रहे हैं, कोई इन्वेस्टर आपके पास इन्वेस्ट नहीं करेगा। तो दिस इज जस्ट व्हाट वी हैड टॉक्ड अबाउट। ये पूरा जो हमने ये बात की आज कि रेवेन्यू मॉडल्स की बात की है, ये सेक्शन के अंदर इंपॉर्टेंट क्या है, आपको वो फिगर बनाना है अपने बिजनेस प्लान के अंदर। जब आप बिजनेस प्लान में डिस्कस करेंगे अपना रेवेन्यू मॉडल, आपको वो बताना है, आपको अपनी वैल्यू बतानी है कि जी आपका वैल्यू क्या है जो आप कस्टमर को चार्ज करें, आपको मुख्तलिफ रेवेन्यू स्ट्रीम बताने हैं। रेवेन्यू मॉडल के अंदर जो मॉडल बनाएंगे आप, उसके अंदर दिखाएंगे कि जी हमारा 30% रेवेन्यू आएगा प्रोडक्ट बेच के, 50% पैसा आएगा एडवर्टाइजिंग करके, जो भी रिमेनिंग 20% हमारा आएगा कोई और तरीके से कि हम उसमें स्पॉन्सरशिप करेंगे, लाइसेंसिंग करेंगे, को ब्रांडिंग करेंगे, किस किस जगह से आप पैसे कमाएंगे। तो आपको ये चीजें, ये इंपॉर्टेंट है जो आपको एड्रेस करनी है इस सेक्शन के अंदर, ठीक है। तो दिस कवर्स द चैप्टर। कोई क्वेश्चन होगा तो वी हैव द क्लास टाइमिंग ऑन द रेगुलर डेज। आप लोगों को अटेंडेंस लगाने हर हाल में वैसे ही आना है, और अटेंडेंस जब लगा लेंगे तो आप क्वेश्चंस अपने पूछ सकते हैं। क्वेश्चंस नहीं होंगे तो वील गेट ऑफ अर्ली, अगर क्वेश्चंस होंगे तो आई आंसर एज मेनी एज आई कैन ड्यूरिंग द टाइम दैट वी आर देयर, ठीक है। तो दिस इज व्हाट वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट टुडे। तो एवरीवन हैव अ गुड डे, और फिर अगर कोई सवाल होता है तो डू बी श्योर टू ज्वाइन द ग्रुप्स ऑन ट्यूजडे, थर्सडे, फ्राइडे, या क्या कहते हैं अपना, यू हैव द ऑप्शन ऑफ एज वेल मैसेजिंग मी या कॉन्टेक्टिंग मी ऑन माई ईमेल, ठीक है। चलें, अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।